चलो, सो हम लोग द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तीनों यूनिट्स पढ़ने के लिए मिले। हमारा इंटेंशन है कि हम लोग इसको 75 मिनट से 90 मिनट्स में करें, विदाउट लीविंग एनी कंटेंट, विदाउट मिसिंग ऑन एनी पॉइंट। ओके, शैल वी स्टार्ट? चलो, सबसे पहले तो तीन यूनिट्स है। फर्स्ट में हमने जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप देखा था। अब यूनिट टू और यूनिट थ्री में आते आते ये चीज़ें बहुत सिंपल लगने लग जाती है, लेकिन ये बहुत एसेंशियल चीज़ें थी इसमें, तो उसको एक बार चेकआउट कर लेते। यूनिट टू में हम लोग रिलेशन ऑफ पार्टनर्स देखेंगे, जो काफ़ी लेंदी पोर्शन है। तो अगर आप बोलोगे इसमें सबसे लेंदी पोर्शन कौन सा है, तो यूनिट टू सबसे ज़्यादा लेंदी है। इसमें टोटल मिला के अगर आप इंस्टीट्यूट के पॉइंट्स देखोगे, एजेंडा देखोगे, तो तकरीबन 18 से 20 आइटम्स हम लोग पढ़ते हैं पूरे चैप्टर में। यूनिट थ्री अगेन एक बहुत ही छोटा, बहुत ही क्रिस्प यूनिट। इसमें सिर्फ टोटल मिला के 4 या 5 चीज़ें पढ़नी होती है, सेम विद द यूनिट वन। आइए, नंबर वन, यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यूनिट वन में हम लोग डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन के बाद हम एसेंशियल्स या एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि सेक्शन 3-4 में आ जाता है। फिर टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन 6 में आ जाती है। फिर पार्टनरशिप वर्सेज अदर फॉर्म, जिसमें कि वर्सेज HUF वर्सेज LLP, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हम लोग देखेंगे चार्ट से ही। और फिर काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। नाउ, सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा एनालिटिकल कोई बात नहीं थी, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। चार पॉइंट्स है क्लास, एक बार मेरे साथ साथ बोलो। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक्चुअली यहां अगर आप एनालिसिस करोगे, दो पॉइंट्स आ गए। पहली बात, प्रॉफिट शेयरिंग की बात हो गई है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग की वजह से पार्टनरशिप फॉर्म जन्म नहीं लेती। प्रॉफिट शेयरिंग के साथ साथ बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए लोग साथ में आ रहे हैं, और साथ साथ म्यूचुअल एजेंसी का भी कॉन्सेप्ट है। याद आ रहा है क्या? फिर हमने एसेंशियल्स या एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म देखे थे। एलिमेंट्स में सबसे पहले हमने एक कोड बना दिया था, माँ बाप, म्यूचुअल एजेंसी, बी से बिजनेस होना जरूरी है, ए से अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स होना जरूरी है, और एसोसिएशन होना जरूरी है। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने बोला था एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स। जब हम पार्टनरशिप फॉर्म की बात करते हैं, एलिमेंट में सबसे पहला था इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, आई एम सॉरी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स में भी हमने बोला था कि पर्सन जो है वो रिकॉग्नाइज पर्सन्स की बात की गई है, और इसीलिए हमने बोला था कि माइनर के नॉट बिकम अ पार्टनर। फिर हमने ये भी बोला था कि एक पार्टनरशिप फॉर्म किसी फॉर्म की पार्टनर नहीं बन सकती, तो दो या दो से ज्यादा पर्सन का पार्टनर बनना जरूरी है। उसमें हमने ये भी बात डिस्कस कर ली थी कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। उसके बाद हम और आगे गए, हमने कहा सिर्फ रिकॉग्नाइज पर्सन इन लॉ कैन बिकम पार्टनर, इसीलिए माइनर नहीं बन सकता, इसीलिए ही फॉर्म भी फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकती है। फिर हमने माइनर को लेकर यहां एक बेसिक बात कर ली थी, जिसको डिटेल में हमने सेक्शन 30 में किया था। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? नहीं। क्या माइनर को हम बेनिफिशियल इंटरेस्ट दे सकते हैं? हाँ, बट विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। हम आगे गए, हमने अग्रीमेंट की बात की। जब हमने अग्रीमेंट की बात की, हमने कहा पार्टनरशिप इज रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स। निकिता बाद में फोटो लेना, सबकी अवेलेबल है, फोटोज की जरूरत नहीं है फिलहाल, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। अग्रीमेंट की हमने बात की। अग्रीमेंट में हमने क्या बोला? हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी जो बाद में काम आती, कि पार्टनरशिप जो है ये स्टेटस की वजह से नहीं होता बल्कि अग्रीमेंट की वजह से होता है। अरे याद आ रहा है क्या? पार्टनरशिप इज अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, और यहां हमने बोला था कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट है, ये जो है किसी स्टेटस से बनने वाली चीज नहीं। जैसे HUF है, वो स्टेटस से बन जाता है। एक फैमिली में आप जन्म ले लेते हो तो आप HUF के मेंबर बन जाते हो, लेकिन पार्टनरशिप जो है ये स्टेटस से नहीं होती, ये अग्रीमेंट से होती है। अग्रीमेंट एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, तो दोनों हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ये हमेशा अच्छी बात है कि वो राइटिंग में हो। याद आ रहा है क्या? फिर हमने कहा था कि क्या पार्टनरशिप फर्म बिजनेस के अलावा कोई इंटेंशन से, कोई क्लब, कोई एसोसिएशन, कोई नॉट फॉर प्रॉफिट मकसद से बन सकती है? द आंसर इज नो। अगर पार्टनरशिप फर्म बनाई गई है तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए बनेगी? बिजनेस के लिए बनेगी, एक्विजिशन ऑफ गेन के लिए बनेगी। अगर प्रॉफिट बनाने का मकसद है ही नहीं तो पार्टनरशिप फर्म बनेगी ही नहीं। याद आ रहा है क्या? फिर हम आगे गए, हमने अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट की बात की। जब हमने अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट की बात की, हमने सबसे पहले बोला सबसे पहला एसेंशियल फीचर है कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट शेयर होने की बात हो रही है। अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है या प्रॉफिट शेयर नहीं हो रहा है, पार्टनरशिप हम जन्म ले सकती। आई होप आपको ये याद होगा पॉइंट कि प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है। कुछ ना कुछ परसेंटेज, 0.01% भी एक पार्टनर को मिले तब भी ओके है, लेकिन अगर आप बोलोगे कि एक आदमी को प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं तो पार्टनरशिप हम नहीं बन सकती। याद आ रहा है क्या? पक्का? अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि लॉस शेयरिंग कंपलसरी ना हो? एक पार्टनर को हम बोले प्रॉफिट होगा तो शेयर करेंगे, लॉस नहीं शेयर करेंगे? ये पॉसिबल है कि लॉस नहीं शेयर करना इस पॉसिबिलिटी, लॉस नहीं भी शेयर किया चल जाता लेकिन प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी होगा। अरे याद आ रहा है क्या? फिर हम आगे गए, हमने कुछ कुछ केसेस देखे जो कि काफी रिपीटेटिवली हमने बाद में डिस्कस भी किए। सबसे पहले हमने बोला अगर एक जमीन के दो को ओनर्स हैं और वो जमीन को रेंट पे दे रहे हैं तो क्या पार्टनरशिप जन्म ले ली? नहीं। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी एक एसेंशियल फीचर है। अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तब पार्टनरशिप फर्म जन्म नहीं लेती। तो जस्ट बिकॉज दो लोग को ओनर हैं जमीन के, वहां से रेंट में पैसा आ रहा है, वहां से ही कुछ प्रॉफिट हो रहा है, दैट डज नॉट मीन कि उनकी पार्टनरशिप फर्म बन गई है। पार्टनरशिप फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पार्टनर के पास अथॉरिटी के वो दूसरे पार्टनर को बाइंड कर दे या पूरी फर्म को बाइंड कर दे। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। याद आ रहा है?
फिर हम आगे गए, हमने कहा क्या चैरिटेबल क्लब या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या कोई क्लब ये पार्टनरशिप फर्म बन सकती है? हमने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बनाना मकसद नहीं है। आप अगर सिर्फ मेंबर्स के बेनिफिट के लिए आए हो या किसी क्लब या एसोसिएशन के मेंबर्स के बेनिफिट के लिए आए हो, प्रॉफिट मकसद नहीं है, पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती। और थर्ड हमने बोला था, अगर दो लोगों ने मिलकर बेल्स ऑफ कॉटन ये बेच के प्रॉफिट कमाने का सोचा है जॉइंट अकाउंट में, क्या ऐसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहां म्यूचुअल एजेंसी आ गई, बिजनेस करने का इरादा है, दोनों ने मिलकर एक जॉइंट अकाउंट खोला है जिस स्पेसिफिक मकसद के लिए, यहां उनका म्यूचुअल एजेंसी भी है, दोनों एक दूसरे को बाइंड करने की भी बात कर रहे हैं, और इसीलिए हमने कहा था यहां पार्टनरशिप फर्म आ जाएगी। अरे याद आ रहा है क्या? फर्स्ट यूनिट है, थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं, इजी पोर्शन है। चलो फिर हम आगे गए म्यूचुअल एजेंसी। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट था, म्यूचुअल एजेंसी में हमने सबसे क्रिटिकल बात की थी, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय वन पार्टनर और बाय टू और मोर पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल में अगर एक आदमी सबके लिए डिसीजन ले रहे हैं चलता, दो पार्टनर ले रहे हैं चलता, दो या दो से ज्यादा ले रहे हैं चलता, सब ले रहे हैं चलता, लेकिन सबके लिए एक्टिंग फॉर ऑल। म्यूचुअल एजेंसी यहीं पर बनी और म्यूचुअल एजेंसी सबसे एसेंशियल है। आगे चल के हमने ये भी बोला था कि म्यूचुअल एजेंसी एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि पार्टनरशिप फर्म है कि नहीं है, पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अरे याद आ रहा है क्या? फिर हमने ये बोला था, कई बार बच्चे इस बात को मिस कर देते हैं, बट ऑल पार्टनर्स ऑफ फर्म आर प्रिंसिपल एज वेल एजेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। गाइस याद आ रहा है क्या? इजी है। चलो फिर हम आगे गए, हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ देखा, हमने सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट देखा था। ऑफकोर्स यू विल रिमेंबर द केस, आपको ये केस लॉ का नाम याद रहेगा ही रहेगा क्योंकि केस का नाम था के डी कामत। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ के डी कामत हेल्ड समथिंग। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, इसके फैक्ट्स क्या थे, ये थोड़ा स्लो करके बता रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट है, एकदम क्लैरिटी के साथ आ जाने चाहिए। नंबर वन, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केडी कामत के केस में जो बात बोली, जजमेंट बोला, वो प्रिंसिपल जजमेंट में एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूं और उसके बाद उसको रीड करेंगे। एकदम ईजी भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में एक ही पार्टनर को हम पूरे बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करने के या कुछ एक्सक्लूसिवली पूरे के पूरे पावर अगर एक पार्टनर को भी हम दे देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म नहीं रहेगी। ऐसा संभव है कि किसी फर्म में हमने एक पार्टनर को थोड़े ज्यादा ही पावर दे दी हो, एक पार्टनर ही बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहा हो, एक ही पार्टनर के पास बोरोइंग पावर भी दे दिया हो, बट ये बिल्कुल संभव है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट के तहत, पार्टनरशिप डीड के तहत हम किसी एक पार्टनर को थोड़े ज्यादा पावर दे सकते हैं। अगर ऐसा किया तो ऐसा चल जाएगा, इसे भी पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा। याद आ रहा है क्या? क्लास याद आ रहा है क्या? हमने बोला था सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना बोला है कि हम पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करती है या नहीं, फर्म है या नहीं, इसके लिए सिर्फ दो चीज देखेंगे। कौन सी? नंबर वन, हम सबसे पहले ये देखेंगे क्लास, प्रॉफिट हो रहा है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है क्या, बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया गया है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है क्या, ये सबसे पहले। और दूसरा, म्यूचुअल एजेंसी है क्या? अरे याद आ रहा है पक्का? सबसे पहले नंबर वन कम ऑन। इवन इफ, कैसे इसको लिखना था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द सेलिब्रेटेड केस ऑफ के डी कामत हेल्ड, इवन इफ वन पार्टनर इज गिवन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म, इफ वन पार्टनर इज वेस्टेड विद ऑल द पावर्स ऑफ ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट्स एंड बोरोइंग, बिजनेस विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप इफ द टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर वन, अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट इज देयर, सेकंड, द बिजनेस इज बीइंग कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। In the simplest language, Supreme Court held there are two conditions. If the two conditions are satisfied, we will hold that the partnership firm exists. One, profit is being shared. Number two, mutual agency exists. Bye bye. Class याद आ रहा है? फिर हम आगे गए। हमने कहा आमतौर पर अगर एक्सप्रेस अग्रीमेंट होता है, अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट एक्सप्रेस्ड है, रिटन है, सब कुछ लिखित में है, ऐसे केस में तो कोई डाउट नहीं है, ऐसे केस में तो कोई क्षमता नहीं है। लेकिन कभी कभी जब एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं होता है तो ये डिटरमाइन करना पड़ता है, एक टेस्ट करनी पड़ती है कि पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और उस वक्त सेक्शन 6 में ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप करी जाती है। तो ट्रू टेस्ट तब करनी पड़ती है जब एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है। अरे याद आ रहा है क्या? नंबर वन, ट्रू टेस्ट करने के लिए कुछ चीजें जांची जाएगी। सबसे पहले अग्रीमेंट, मैं रिपीट करके बोल रहा हूं, पार्टनरशिप जो है इट इज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट, नॉट बाय स्टेटस। नंबर टू, हमने कहा था और इसीलिए ही HUF के पार्टनर्स जो HUF के मेंबर्स है, क्या उन्हें पार्टनर बोलना सही है? नहीं। बर्मिस्ट बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ अगर साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो क्या उससे पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा? नहीं, बाय स्टेटस दे आर हस्बैंड एंड वाइफ और वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, इसे भी पार्टनरशिप फर्म नहीं माना जाएगा। अरे याद आ रहा है क्या? हमने कहा था शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले हमने बोला अग्रीमेंट होना जरूरी है, फिर हमने बोला प्रॉफिट होना जरूरी है, यहां हमने बोला था सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना भी ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होगा कि पार्टनरशिप फर्म है। याद आ रहा है क्या? यहां हमने बोला था कि देखो, जस्ट बिकॉज प्रॉफिट इज बीइंग शेयर्ड डज नॉट मीन कि पार्टनरशिप फर्म है।
ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है लेकिन पार्टनरशिप फर्म नहीं है, इसके चार केसेस देखे थे, आइए इसको एक बार देख लेते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी विच इज बीइंग हेल्ड इन कॉमन इंटरेस्ट, जस्ट बिकॉज दो लोग या दो से ज्यादा लोग प्रॉपर्टी कॉमन इंटरेस्ट में होल्ड करते हैं, दैट डज नॉट मेक अ पार्टनरशिप फर्म। हमने कहा था कई सारे ऐसे केसेस हैं जहां अगर प्रॉफिट शेयर किए भी जा रहे होंगे तब भी हम पार्टनरशिप फर्म नहीं मानेंगे। मॉड्यूल के क्वेश्चन किए थे उसमें भी ये रिपीट हो गया था कि कोई कोई ऐसे केसेस होते हैं जहां हम लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी पार्टनरशिप फर्म नहीं बनती। कौन से केसेस है? नंबर वन, अगर लेंडर ऑफ मनी, मान लीजिए मैं लोन देता हूं, मैं फाइनेंस करता हूं, फाइनेंस देते वक्त मान लो मैंने वरद को बोला, वरद मैं तेको 1,00,000 रुपए दे रहा हूं, तू इसको मार्केट में चला, इस पे ब्याज कमा, कमीशन तेको भी दूंगा। जस्ट बिकॉज मैं फाइनेंसिंग का काम करता हूं, जस्ट बिकॉज मैं पैसा लेंडिंग का काम करता हूं और लेंड करते वक्त मैंने एक व्यक्ति को कमीशन दिया, कुछ प्रॉफिट शेयर किया, दैट डज नॉट मेक हिम माय पार्टनर। हम पार्टनर इसलिए नहीं है बिकॉज देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी, आई एम नॉट हिज एजेंट, ही इज नॉट माय एजेंट, हम सिर्फ एक काम के लिए प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, बाय बाय। फिर हमने ये भी बोला था कि मास्टर और सर्वेंट भी एक दूसरे के पार्टनर नहीं कहलाए जाएंगे। मास्टर ने, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई काम दिया होगा तो हम ये नहीं बोल सकते, ये बोलना संभव नहीं है, ये बोला जायज नहीं होगा कि ये दोनों पार्टनर है। तो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में भी प्रॉफिट शेयरिंग होती है, कई बार हम सर्वेंट को बोलते हैं, कई बार हम एम्प्लॉय को बोलते हैं कि तो माल बेच तेरे को कमीशन मिलेगा, बट दैट डज नॉट मेक अ पार्टनरशिप फर्म। कोई कोई केसेस हमने चार केसेस देखे थे कि प्रॉफिट शेयर हो रहा है लेकिन फिर भी पार्टनरशिप फर्म नहीं बन रही। थर्ड, इफ एनी एन्युटी इज बीइंग गिवन, अगर किसी विडो को या मरे हुए व्यक्ति की बच्चे को कोई प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है, दैट डज नॉट मेक देम पार्टनर्स। हो सकता है किसी को हम पैसा दे रहे हो, किसी की विडो को, किसी मरे हुए व्यक्ति की विडो को या उसके बच्चे को, हम उसके साथ प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं लेकिन सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने से पार्टनरशिप फर्म नहीं बने। अरे याद आ रहा है कि क्लास पक्का, ये काफी आसान था इसलिए मैं यहाँ स्पीड ज्यादा बढ़ा के रखा हूँ। सेकंड यूनिट में थोड़ा स्लो चला जाऊंगा या थर्ड यूनिट में जहां सेटलमेंट वाला मामला आएगा वहां थोड़ा स्लो चला जाऊंगा, लेकिन यहां मुझे लगता है कि स्पीड चलती है। चलो फिर हम आगे गए, हमने कहा हमने अगर कोई बिजनेस सेल किया, बिजनेस सेल करने के बाद जो प्रॉफिट्स आए, जो पैसा आया, वो हमने शेयर किया को ओनर्स के साथ, जॉइंट ओनर्स के साथ, या गुडविल का जो पैसा आया वो भी हमने शेयर किया, डज दैट मेक देम पार्टनर्स? द आंसर इज नो। अरे याद आ रहा क्या? चलिए फिर हम आगे गए, हमने एक बहुत एसेंशियल बात बोली, खास तौर पर क्योंकि हमने एग्जाम के क्वेश्चन या मॉड्यूल के क्वेश्चन किए थे, उसमें एग्जाम में भी पूछा गया था, प्रॉफिट शेयर करना, जस्ट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इज इट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप? द आंसर इज नो। प्रॉफिट शेयर करना इज एन एसेंशियल एलिमेंट बट दिस इज ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, बाय बाय। तो ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस है, ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, ठीक है? प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, इट कुड बी अ प्राइमा फेसी एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस की पार्टनरशिप फर्म है या नहीं है ये कैसे तय होगा? ये तय होगा म्यूचुअल एजेंसी से, इजी। तो दिस विल बी डिसाइडेड अगर म्यूचुअल एजेंसी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आई एम रिपीटिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस, नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। अरे याद आ रहा है क्या? फिर बहुत बच्चे बोलते हैं सर ट्रू टेस्ट करने की जरूरत क्या है? ट्रू टेस्ट करने क्यों पड़ती? पार्टनरशिप है या नहीं है चेक करना क्यों पड़ता? ये इसलिए चेक करना पड़ता कि अगर एक्सप्रेस अग्रीमेंट होता, म्यूचुअल एजेंसी होती, अगर ये सब कुछ एक्सप्रेस होता हो तो डिस्कस करना ही नहीं पड़ता। कभी कभी एक्सप्रेस अग्रीमेंट नहीं होने की वजह से ही प्रॉब्लम होती है, कभी कभी एक्सप्रेस अग्रीमेंट नहीं होता है इसी वजह से ट्रू टेस्ट करनी पड़ती है। फिर हम लोग आगे गए, हमने ये भी बात डिस्कस की कि रियल टेस्ट करना होगा श्रेयस तो कैसे करेंगे? अगर ट्रू टेस्ट करनी है कौन से पॉइंट चेक करने चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म है या नहीं, ये फिगर आउट करने के लिए क्या क्या पॉइंट चेक करने चाहिए? नंबर वन, क्या रिटन अग्रीमेंट या वर्बल अग्रीमेंट है? क्या रियल इंटेंशन पार्टीज का क्या है? फिर पार्टीज का कंडक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा रहा है? और चौथा, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस। जब हम कोई केस में चेक कर रहे होते हैं, जब कोई मामला कोर्ट के सामने आता है, तो आमतौर पर हम चार चीजें चेक करते हैं। सबसे पहले ओरल या रिटन अग्रीमेंट, दूसरा रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, तीसरा कंडक्ट ऑफ पार्टी किस तरह का है, और चौथा सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ये सारी चीजों को चेक किया जाता है। और लास्टली बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप फर्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। काट पीट के जो फाइनल नेल इन द कॉफिन है वो यही है कि क्या म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है? अगर म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है तो हम मान लेंगे कि यस देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म, वरना नहीं है। इजी। चलो वी चेक आउट वन मोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। एक और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमने पढ़ा था। उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हमने क्या पढ़ने की कोशिश की थी, मैं समझा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट का पहला जजमेंट जो केडी कामत वाले केस में आया था, वो केडी कामत वाले केस में हमने बोला था कि दो कंडीशन हो गई तो पार्टनरशिप फर्म मान लेंगे। दूसरे सुप्रीम कोर्ट में क्या बात है? दूसरे सुप्रीम कोर्ट के केस में बात आई कि कौन से केस होंगे तो हम मानेंगे कि पार्टनरशिप फर्म नहीं एग्जिस्ट करती। अरे याद आ रहा है क्या? इन द केस ऑफ शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस डेजी डी मुर्जामुल। याद आ रहा है क्या केस लॉ का नाम? थोड़ा थोड़ा भी कनेक्ट हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, इसको हम इतने बार रिवाइज करने वाले कि याद हो जाएगा। हमने बोला इन शांति रंजन दास गुप्ता
वर्सेस डेजीरन मुर्जामुल। इस केस में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द फॉलोइंग फैक्ट्स आर कंसिडर्ड टू रीच द कंक्लूजन दैट देर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन पार्टीज। ये चार चीजों को चेक करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम लोग कंक्लूसिव एविडेंस बना लेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। याद आ रहा क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर चार चीजें हो गई तो हम पक्का मान लेंगे कि देर इज नो पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, नंबर वन, पार्टीज आर हैव नॉट रिटेन एनी रिकॉर्ड्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। अगर पार्टीज ने, जो भी पार्टी साथ में मिलकर कुछ कर रही है, अगर उन्होंने कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए हैं। दूसरा, अगर बिजनेस के कोई अकाउंट मेंटेन नहीं किए गए हैं जो दोनों पार्टीज इंस्पेक्ट कर सकती थी। तीसरा, कभी कोई जॉइंट अकाउंट बैंक में खोला नहीं गया है और कोई रिटन इंटीमेशन रजिस्ट्रार वगैरह को नहीं दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ये मान लेगी कि कोई अग्रीमेंट नहीं है। आई रिपीट, ये चार कौन सी कंडीशन है जो देख के हम बोल सकते हैं कि देयर इज नो पार्टनरशिप फॉर्म। नंबर वन, पार्टीज इन द केस हैव नो रिकॉर्ड्स। दोनों पार्टीज ने दे हैव नॉट रिटेन एनी रिकॉर्ड्स। नंबर टू, नो अकाउंट्स ऑफ बिजनेस हैव बीन मेंटेन, नीदर दे वर ओपन फॉर इंस्पेक्शन फॉर एनी पार्टी। अगर दो लोग साथ में बिजनेस कर रहे थे, अकाउंट मेंटेन नहीं हुआ है, उसको एक दूसरे को इंस्पेक्शन के लिए ओपन नहीं रखा गया है। तीसरा, आपने कोई बैंक अकाउंट नहीं खोला है, किसी भी टाइप का जॉइंट अकाउंट आपने नहीं खोला हुआ है। और चौथा, रजिस्ट्रार को इंटीमेशन वगैरह नहीं दिया हुआ है। अगर ये चार कंडीशन सुप्रीम कोर्ट को कोई भी केस में दिखी, सुप्रीम कोर्ट क्या मान लेगा? देयर इज नो पार्टनरशिप, बात खत्म। शांति रंजन दास गुप्ता, काश ये केस का नाम सेन गुप्ता होता, इजी हो जाता नाम याद करना। लेकिन शांति दास, ओके चलो फिर हम लोग कंपैरिजन में आएंगे अलग अलग फॉर्म्स के साथ। कंपेयर करने के लिए हम लोग दो मिनट नोट्स में टेबल पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग फंडामेंटली कहां चले गए थे भाइयों? इसके बाद हम लोग काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में चले गए थे। प्लीज फोकस बनाए रखें, कुछ भी ना सोचे, सिर्फ इसके बारे में सोचे। 15 से 18 नंबर का पोर्शन है, बिल्कुल मजाक ना करें। एक जबरदस्त रिवीजन करते हैं, रिकॉर्डिंग में आपको दे दूंगा, आप मल्टीपल बार देखो, 15-18 नंबर कब्जे में कर लो। जिनको अलग से सेल्फ स्टडी नहीं करनी, मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात सुनो। मैंने कोई कंटेंट सेक्शन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन मॉड्यूल के क्वेश्चन में जो जो पूछा है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो जो क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं छूटा है। एक बार अच्छे से देखोगे काम हो जाएगा। काइंड ऑफ पार्टनरशिप में आते हैं। काइंड ऑफ पार्टनरशिप में हमने कहा कि पार्टनरशिप पहले तो वो ड्यूरेशन के हिसाब से हो सकती है, या तो फॉर फिक्स ड्यूरेशन या तो फॉर विल, है ना। सबसे पहले हमने बोला पार्टनरशिप जो है वो ड्यूरेशन के हिसाब से भी हो सकती है। पहले हमने बोला पार्टनरशिप कैन बी एट विल, पार्टनरशिप कैन बी फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन। याद आ रहा है क्या? तो या तो वो विल के हिसाब से होगी या तो वो फिक्स्ड ड्यूरेशन के हिसाब से होगी। फिर हम आगे गए, हमने कहा या तो वो एक जनरल पार्टनरशिप हो सकती है, हर बिजनेस में हम साथ हैं, दिन रात हम साथ हैं, वी आर पार्टनर इन एवरी क्राइम। लेकिन ये भी हो सकता है कि हम सिर्फ एक धंधे के लिए मिले हैं, बाकी हमारा सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमने बातें की थी, इसमें हम आगे गए। हमने सबसे पहले बात की पार्टनरशिप एट विल की। हमने सबसे पहले बोला नंबर वन, अगर कोई फिक्स पीरियड हमने पार्टनरशिप का तय नहीं किया है, एंड साथ ही साथ हमने अग्रीमेंट में भी कोई प्रोविजन नहीं रखा है जो ड्यूरेशन डिसाइड करे, तो आमतौर पर हम मान लेंगे कि दिस पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। फिर हमने स्पेशल कंडीशन देखी। उस स्पेशल कंडीशन में हमने क्या देखा? उस स्पेशल कंडीशन में हमने देखा कि अगर फॉर्म फिक्स ड्यूरेशन के लिए खोली गई थी, लेकिन फिक्स ड्यूरेशन खत्म होने के बाद भी तुम लगे रहे। जैसे एक डायरेक्टर ने बोला था कि एक सीन था जिसमें एक्टर और एक्ट्रेस को किस करना था, मैंने कट बोल दिया था, सीन खत्म हो गया था, फिर भी वो लगे रहे। अगर पार्टनरशिप फॉर्म का ड्यूरेशन तय किया गया था, उसके बाद भी आप लगे रहे हो, तो मान लिया जाएगा कि ये पार्टनरशिप और फिक्स ड्यूरेशन नहीं बल्कि एट विल है। जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद। फिर हमने फिक्स टर्म की बात की। पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म में हमने बोला कि व्हेन द प्रोविजन इज मेड फॉर ड्यूरेशन ऑफ, व्हेन फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, उसे हम फिक्स टर्म की बोलेंगे। फिर हम आगे गए, हमने कहा इट कुड बी अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप और इट कुड बी जनरल पार्टनरशिप। व्हेन वी से अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, वी आर पार्टनर्स व्हेन द पार्टीज आर पार्टनर फॉर एनी सिंगल एडवेंचर, फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर और फॉर अ पर्टिकुलर अंडरटेकिंग, वी अज्यूम दैट यस दिस पार्टनरशिप इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। द लास्ट वन इज जनरल पार्टनरशिप, वेयर द पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस इन जनरल, वी कंसिडर इट एज जनरल पार्टनरशिप। ईजी। फिर हम आगे गए, हमने पार्टनरशिप डीड की बात की। एग्जाम में पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड के कॉन्टेंट्स क्या होते हैं, ये भी 6 मार्क का एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो लोग पहले चैप्टर से क्या ही पूछ सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, या तो डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सम अदर फॉर्म। इसके अलावा पहले यूनिट में पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। टोटल मिला के 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट वाले चैप्टर में भी 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बीच वाले में जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता दूंगा, मेरे साथ साथ खत्म कर दो। मार्च महीने में 36-37 नंबर कन्फर्म कंक्रीट खत्म हो जाते हैं। चलो
अब हमने बता पार्टनरशिप डीड की शुरू किए, पार्टनरशिप डीड का आंसर लिखेंगे तो कुछ बातें बिल्कुल बेसिक से शुरू करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात होगी कि पार्टनरशिप फॉर्म कुड बी इन राइटिंग, कुड बी वर्बल, कुड बी फॉर्म्ड वर्बली, तो ये दोनों संभव है, रिटन में भी हो सकती है और वर्बल भी हो सकती है। हम आगे गए, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, कई बार बेचारा फाउंडेशन का बच्चा शायद इतनी चीजों को याद नहीं कर पाएगा, लेकिन हमने बोला था कि अगर हम पार्टनरशिप अग्रीमेंट राइटिंग में बनाते हैं तो इट हैज टू बी ड्यूली स्टैम्प्ड। अरे याद आ रहा है क्या? इट हैज टू बी ड्यूली स्टैम्प्ड। इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के हिसाब से द डीड शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड। फिर हमने आगे कहा कि इफ द पार्टनरशिप फर्म कंप्राइजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमने कहा था अगर पार्टनरशिप फर्म में इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, ऐसे केस में तीन फॉर्मेलिटीज, तीन चीजें करना जरूरी था। नंबर वन, द पार्टनरशिप डीड मस्ट बी इन राइटिंग। नंबर टू, इट मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प। नंबर थ्री, इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, याद रहेगा। फिर हम आगे गए, हमने कंटेंट्स की बात की। अब जब हमने कंटेंट्स की बात की तो कंटेंट्स में हमने बोला कि एक पार्टनरशिप डीड में कौन से कंटेंट्स होंगे। तो पहली बात, ओपनिंग लाइन तो ये होनी चाहिए कि देर कुड बी एज मेनी एज कंटेंट्स एज देर इज नो स्पेसिफिक टाइप ऑफ पार्टनरशिप डीड। हाउ एवर, जनरली द पार्टनरशिप डीड हैज फॉलोइंग कंटेंट्स। नंबर वन, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन अगर होगा तो, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आने वाला है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, एडमिशन और रिटायरमेंट का क्या प्रोसीजर रहेगा, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, पेंशन प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट क्या होगा। वैसे तो इसकी डिटेल में प्रोविजन हमने सेक्शन 48-49 में पढ़े हैं, लेकिन सेटलमेंट के कोई प्रावधान अगर स्पेशल डाले होंगे फर्म की वैल्यूएशन के, गुडविल की वैल्यूएशन के, ब्रांड कौन लेके जाएगा एक्सेट्रा, उसके लिए भी प्रोविजन डाले जा सकते हैं। फिर अगर कोई पार्टनर फुल टाइम काम कर रहा है, कोई हाफ टाइम काम कर रहा है, कोई आ ही नहीं रहा ऑफिस में, तो ऐसे केस में हमने ये भी बोला था कि पार्टनर को हम स्पेसिफिक कमीशन या स्पेसिफिक सैलरी दे सकते थे। लास्ट में हमने बोला था प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन, अगर हम पार्टनर को बाहर निकालेंगे, एक्सपेल करेंगे फर्म से, उसके बारे में क्या प्रावधान होंगे, ये भी पार्टनरशिप डीड में हो सकता है। अरे क्लास याद आ रहा है क्या? चलो यहां तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, अब हम लोग आ जाते हैं जल्दी से कुछ डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। सबसे पहले तो गाइस पन्ने प्लीज पन्ने मत पलटाओ, सब छोड़ो, इधर आओ मेरे पास, स्क्रीन पे फोकस चाहिए तुम्हारा। आई रिपीट, दिस पर्टिकुलर वीडियो, दिस पर्टिकुलर सेशन यू हैव टू सी मल्टीपल टाइम्स। इंटायर लॉ, इंटायर रिवीजन पोर्शन आई विल फिनिश विद इन 10 आवर्स। 10 घंटे के अंदर में एक पूरे 60 मार्क का लॉ का मैं कंपाइलेशन बना के आपके पास छोड़ूंगा, जो बच्चे को नहीं भी होता है मैं आपको वादा कर रहा हूं, अगर आप 4 दिन मेरे साथ बैठे, अकेले बैठे मेरे साथ क्यों, 4 दिन आप अकेले रात को बैठे 8 से लेके रात के 3 बजे तक भी आपने 2 या 3 मूवी लगातार देख ली तो भी काम हो जाता, सिर्फ एक बार देख लेना, क्योंकि कंटेंट कुछ छूटा नहीं है। एग्जाम में लिखाने की प्रैक्टिस मेरी रोज हुई है, मुझे उसका कोई टेंशन नहीं है, बस मैं बोल रहा हूं अभी फोकस 24 पूरा फोकस यहां डाल दो, जीवन में जो चल रहा है चलने तो अभी का फोकस यहां करो। जब हम कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं, तो लीगल स्टेटस की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं पार्टनरशिप फर्म का लीगल स्टेटस देखूं तो इज इट अ लीगल एंटिटी, सेपरेट एंटिटी, नो, यहां पर ये लीगल एंटिटी नहीं है। वेयर एज अगर मैं कंपनी की बात करूं, इज इट अ सेपरेट एंटिटी, यस अ कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई केस लॉ का नाम याद होगा तो एरोन सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन का नाम लिख सकते हो। एजेंसी, क्या पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एजेंसी का कंपलसरी कॉन्सेप्ट है ओम भाई? यस इज द आंसर। क्या कंपनी में है? फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो यहां पार्टनर्स को कंपलसरीली डिस्ट्रीब्यूट होगा, वेयर एज इन कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे विल डिसाइड वेदर द डिविडेंड हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। फिर हम आगे गए, हमने एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी की बात की, हमने कहा कंपनी का एक फीचर ही है कि कंपनी कैन बी द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड, वेयर एज इन केस ऑफ पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इजी। फिर हम प्रॉपर्टी की बात की, हमने कहा क्या फर्म प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, हमने कहा द फर्म्स प्रॉपर्टी इज दैट विच इज अ जॉइंट एस्टेट ऑफ पार्टनर्स एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सेपरेट एस्टेट। एक पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो सभी पार्टनर्स का एस्टेट मानी जाती है, वेयर एज कंपनी की अगर हम बात करें द कंपनी इज केपेबल ऑफ ओनिंग अ प्रॉपर्टी होल्डिंग अ प्रॉपर्टी, अरे याद आ रहा है क्या? फिर हम आगे गए, हमने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात की, हमने कहा आमतौर पर अगर मैं कंपनी की बात करूं, एक पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल बट दे आर स्टिल ट्रांसफरेबल, देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस। हाउएवर इन पार्टनरशिप फर्म इफ अ पार्टनर इज ट्रांसफरिंग हिज इंटरेस्ट देर मे बी लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, देर मे बी कॉन्सिक्वेंसेज, द अदर पार्टनर मे इनफैक्ट गो टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अभी पढ़ा थोड़े दिन पहले, अरे यस और नो, तो अगर पार्टनरशिप फर्म में
इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है पार्टनरशिप फर्म का, अगर किसी का कैपिटल किसी की पार्टनरशिप फर्म की हिस्सेदारी ट्रांसफर हो रही है, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज इंपॉर्टेंट। अरे याद आ रहा है क्या मैंने इसलिए बोला था, पूरा चैप्टर होने के बाद इसको पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा। मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज वेस्टेड विद डायरेक्टर्स, आमतौर पर वहां डिसीजन मेकिंग डायरेक्टर्स के पास है और कुछ कुछ डिसीजन जो है वो शेयर होल्डर्स के पास भी है, वेयरएज यहां मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस आर विद पार्टनर्स, सारे के सारे डिसीजन कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स से लिए जाते हैं और कुछ कुछ मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। याद आ रहा है क्या? क्या पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? क्या कंपनी की है? हाँ। फिर हमने वाइंडिंग अप की बात की थी, हमने पार्टनरशिप फर्म के केसेस में डिसोल्यूशन पढ़ लिया है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो कभी भी डिसॉल्व की जा सकती है, द पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम इफ ऑल द पार्टनर्स अग्री, वेयर एज कंपनी के केस में देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोसीजर दैट हैज टू बी फॉलोड एंड वो प्रोसीजर फॉलो करके ही वाइंडिंग अप होगी। बाय बाय। अच्छा ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, कभी काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं, पार्टनर्स में मिनिमम पार्टनर्स मैक्सिमम 50 की 100, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स ही अलाउड है। कंपनी के केस में प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। इजी। ड्यूरेशन की बात करते हैं, पार्टनरशिप फर्म का ड्यूरेशन डिसाइडेड हो सकता है या एट विल हो सकती है, वेयर एज कंपनी जो है इट एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन। बाय बाय। फिर हम आगे गए, बिल्कुल ब्लंडर बात है, बिल्कुल बकवास बात है, लेकिन एग्जाम में आ सकती है। क्लब और पार्टनरशिप का डिफरेंस देखा, उसमें हमने सबसे पहले बोला भैया म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप में है, वहां पे नहीं है। पार्टनरशिप में पार्टनर हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, वेयर एज मेंबर ऑफ अ क्लब हैज नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब। लास्टली हमने बोला डिसोल्यूशन के बारे में, काफी इररिलेवेंट सा टॉपिक था। पार्टनरशिप और एसोसिएशन की बात कर लेते हैं, पार्टनरशिप और एसोसिएशन में मूल आधार में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो हमने बोला था पार्टनरशिप मीन्स एंड इन्वॉल्व सेटिंग अप द एजेंसी, एसोसिएशन में सोशल कॉज के लिए लोग साथ में आते हैं, देर इज नो इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्न करना क्लब में भी एसोसिएशन में इंटेंशन नहीं होता है, वेयर एज पार्टनरशिप में अगर बिजनेस के लिए या प्रॉफिट शेयर करने के लिए नहीं आ रहे हो घंटा खुलती ही नहीं पार्टनरशिप फर्म, याद रहेगा। फिर हम एचयूएफ के केस में आए, इसको हमने काफी ज्यादा टाइम देकर स्पेंड किया था क्योंकि एचयूएफ बहुत बच्चों के लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो हमने बोला पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कैसे होती है, हमने कहा भाई पार्टनरशिप फर्म जो है वो अग्रीमेंट से क्रिएट होती है, वेयर एज एचयूएफ जो है वो बाय स्टेटस ही क्रिएट हो जाता है, परिवार में जन्म लेने से ही एक साथ हो जाते हैं, कुछ रिश्ते जो हैं वो बाय डिफॉल्ट डेवलप हो जाते हैं, कुछ रिश्ते नेचुरली बन जाते हैं, स्टेटस से बन जाते हैं, लेकिन पार्टनरशिप जो है वो अग्रीमेंट से बनेगा। भाई भाई। फिर हम आगे गए, हमने बात की डेथ, मैंने कहा एचयूएफ में अगर मेंबर की डेथ हो गई तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, फर्म में हो सकता है डेथ की वजह से डिसोल्यूशन भी हो जाए। अरे क्या तुम्हें याद है? पक्का? चलो हम आगे गए, हमने बात की मैनेजमेंट की, हमने कहा भाई एचयूएफ में तो सब कुछ करता करता है, उसका नाम ही करता है, करता क्या ना करता, ऑल द डिसीजन मेकिंग इज वेस्टेड इन करता, वेयर इज इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इट इज विद द पार्टनर्स। अरे याद आ रहा है क्या? हम आगे गए, हमने कुछ और बातें करे, हमने कहा पार्टनर के पार्टनरशिप के केस में वन पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर, इट कैन बाइंड द एंटायर फर्म, वेयर एज एचयूएफ के केस में ऐसा नहीं है, एचयूएफ के केस में मैनेजर जो है वो पूरे फर्म को बाइंड करता है, लेकिन लाइबिलिटी के मामले में लाइबिलिटी करता की अनलिमिटेड है, बाकी जो कोपार्टनर्स होते हैं एचयूएफ के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी इज मैक्सिमम लिमिटेड टू देयर शेयर, याद आ रहा है क्या? फिर हमने कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑफ क्लोजर की बात की थी, हमने कहा था पार्टनर जो है वो अपने फर्म के ऊपर केस कर सकता है अकाउंट्स के लिए, और अगर अकाउंट नहीं देखे गए दिखाए गए तो डिसोल्यूशन की मांग कर सकता है, वेयर एज एचयूएफ में ऐसा कोई अधिकार नहीं है। फिर माइनर की तो बहुत डिटेल में बात हुई, हमने एचयूएफ में बोला भाई वो तो जैसे पैदा हुआ एक बच्चा हुआ दूसरे मेंबर्स का इंटरेस्ट कम हो जाता, शेयर कम हो जाता, वहां मरने से जन्म लेने से ही आप मेंबर बन जाते हो, मरने के बाद आपकी मेंबरशिप चले जाती है, वेयर एज अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हाउ एवर ही कैन हैव अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप फर्म बट विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। बाय बाय। देखो जो भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूं उसका इंटेंशन यही है कि ये भाषा धीरे धीरे बच्चा भी डेवलप कर लेगा। फिर हमने कंटिन्यूटी की बात की थी, हमने कहा था भाई पार्टनर अगर मर जाए तो शायद कंटिन्यूटी इफेक्ट कर जाती है, वेयर एज एचयूएफ में कुछ होता नहीं, एचयूएफ में यू कैन हैव 100 सन्स, आपके 100 बच्चे होंगे, एक परिवार में 100 लोग हैं तब भी हम लोग बोलेंगे कि ठीक है भाई कौरव फैमिली भी एचयूएफ हो सकती है, वेयर एज अगर हम लोग नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म की बात करें मैक्सिमम नंबर इज 50। इजी। शेयर की बात करते हैं, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो आपका इंटरेस्ट होता है वो डेफिनेट होता है, डेफिनेट, वेयर एज अगर हम एचयूएफ की बात करें एक का जन्म दूसरों का शेयर कम, एक मरा दूसरों का शेयर बढ़ा, तो यहां पे वेरिएबल रहेगा। इजी। अच्छा एक लास्ट डिस्कशन करते हैं को ओनरशिप और पार्टनरशिप फर्म का, ठीक सीधे सीधे हमने को ओनरशिप और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस देखा था, मैंने आपको बताया था एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ दे गया रिवीजन, सुनो पहला कि को ओनरशिप का जो जन्म है वो कैसे क्रिएट हो जाता है, ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो सकता है, हो सकता है आपको और आपके भाई को एक प्रॉपर्टी किसी के डेथ की वजह से मिल गई हो, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कोई प्रॉपर्टी आपके पास आ गई हो, वेयर एज पार्टनरशिप जो है ये तो
दिल का नहीं, कागज का रिश्ता है, अग्रीमेंट होना जरूरी है। इजी। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म की हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात इंप्लाइड अथॉरिटी है। एक पार्टनर के पास इंप्लाइड अथॉरिटी आ जाती है कुछ कुछ। अगर पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए मैं बात करूं तो एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी होती है कि धंधे के लिए जो डिसीजन लेना है मैं लूंगा और इट विल बाइंड द फर्म, इट विल बाइंड ऑल द अदर पार्टनर्स, वेयर इज नॉट इन द केस ऑफ ओनरशिप। इजी। चलो, नेचर ऑफ इंटरेस्ट, देयर इज नो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट व्हिच मींस प्रॉफिट्स एंड लॉसेस मस्ट बी शेयर्ड, वेयर इज को ओनरशिप में नॉट नेसेसरीली। लास्टली, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अ शेयर इन अ पार्टनरशिप इज ट्रांसफर्ड ओनली बाय कंसेंट ऑफ पार्टनर्स, वेयर इज co-owner may transfer interest or right in the property without the consent of co-owner. Easy. Co-ownership में क्या है ना, mutual agency नहीं है। mutual agency नहीं होने की वजह से बहुत बड़ा फायदा यह है कि कोई भी co-owner बोलेगा भैया मेरे को ये जमीन बेचनी है, मेरे को हिस्सेदारी बेचनी है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप में मैं हिस्सेदारी बेचता हूँ, सामने वाला अगर पार्टनर बन जाता है तो म्यूचुअल एजेंसी में, वो म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट है तो सामने वाले को अधिकार मिल जाते हैं, इसलिए कंसेंट जरूरी है। ईजी। चलो, हमने सब कुछ देख लिया, बस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हमने नहीं देखे, इसीलिए टाइप्स ऑफ पार्टनर एक बार मैं यहां से दिखा देता हूं। टाइप्स ऑफ पार्टनर एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर की बात की थी। एक्टिव पार्टनर के कुछ फीचर्स थे। नंबर वन, फंडामेंटली ऐसा पार्टनर जो एक्टिवली काम कर रहा है, जो एक्टिवली डिसीजन मेकिंग ले रहा है, जो एक्टिवली बिजनेस संभाल रहा है, उसको हम लोग एक्टिव पार्टनर बोलते थे। ही इज एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स फॉर ऑल एक्ट्स डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अरे याद आ रहा है क्या? अगर वो रिटायर हो गया तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, ताकि मेरे से लायबिलिटी हटे। एक एक्टिव पार्टनर में बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर है, आमतौर पर फर्म को उसी के नाम से जाना जा रहा है। अगर वो रिटायर होगा तो उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। इसी का नेक्स्ट था स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर। खास बात यही थी कि यहाँ अगर वो रिटायर भी होगा तो क्या पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है? नहीं। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब एक ऐसा पार्टनर जो एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। फिर हम नॉमिनल पार्टनर की बात करना शुरू किए। नॉमिनल पार्टनर का बात किए तो बहुत यहाँ कन्फ्यूजन वाला मामला है। सबसे पहले हमने बोला, क्या इसका प्रॉफिट में कोई शेयर है? नहीं। क्या ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है? नहीं। क्या इसके कोई बिजनेस कंडक्ट करने में या डिसीजन मेकिंग में कोई अधिकार है? नहीं। लाइबिलिटी है? हाँ। राजेश्वरी, ओके। फिर हमने कहा था कि देयर कैन बी सम पार्टनर ओनली फॉर बेनिफिट्स, तो ऐसे भी पार्टनर हो सकते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने आएंगे, जो लॉस शेयर करने नहीं आएंगे। इनकमिंग पार्टनर, जो फर्म में नया पार्टनर अपॉइंट किया जा रहा है। आउटगोइंग पार्टनर, जो फर्म से जा रहा है, जो रिजाइन कर रहा है या निकल रहा है। इजी क्लास, इजी। अच्छा, लास्ट वन, यूनिट नंबर वन में एक इकलौता कॉन्सेप्ट जो बच्चे को परेशान कर सकता है, जो एग्जाम में ऊपर नीचे कर सकता है, वो है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ऐसा व्यक्ति जो खुद को रिप्रेजेंट करता है कि मैं फर्म का पार्टनर हूं, या नोइंगली परमिट करता है किसी को अपना नाम पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर जैसा लेने के लिए, ऐसे केस में उसको हम लोग पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मान लेते हैं। अगर किसी आउटसाइडर ने, किसी बाहर वाले व्यक्ति ने पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इस व्यक्ति के नाम से फर्म को क्रेडिट दिया, ऐसे केस में पार्टनर बाय होल्डिंग आउट जो भी होगा उसकी लाइबिलिटी रहेगी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। याद रहेगा क्या? आई रिपीट, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। सॉरी, यहां थोड़ा ज्यादा तंग करूंगा, क्योंकि ये यूनिट वन में इकलौता पोर्शन है जहां बच्चा डगमगा सकता है। पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। यहां वे द मैन होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर और अलाउज अदर्स टू डू इट, ही इज स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर ही हैज अज्यूम्ड अपॉन फेथ ऑन विच द क्रेडिटर्स मे बी प्रेज्यूम टू हैव एक्टेड। अगर मैंने मेरे नाम का इस्तेमाल करने की परमिशन किसी को दे दी और मेरे नाम से किसी बाहर वाले ने फर्म को पैसा दे दिया, ऐसे केस में वो बाहर वाले के लिए, वो थर्ड पार्टी के लिए, आई विल बी द लायबल पर्सन। उस थर्ड पार्टी के लिए मैं लायबल हो जाऊंगा अगर मैंने अज्यूम किया, मैंने ये दिखाया कि मैं इस फॉर्म में पार्टनर हूं, या मेरा नाम मैंने इस्तेमाल करने दिया और किसी को रोका नहीं। याद आएगा? ठीक है, इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको परेशान कर सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए, ऑलराइट गाइस, लेट्स बिगिन विद द यूनिट टू, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। यूनिट टू स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट टू की कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पहले ही बता देता हूँ। यूनिट टू अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लेंदी अगर कोई यूनिट है पार्टनरशिप में तो वो यूनिट नंबर टू है। यूनिट नंबर, सबसे पहले तो रिलेशन ऑफ पार्टनर्स पढ़ लेते हैं। इसमें सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 13 तक हम पढ़ने वाले। सेक्शन 9 में हम जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर पढ़ने वाले। हमने सेक्शन 9 में जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स में बोला, नंबर वन, सबसे पहले तो पार्टनर्स को फर्म की एडवांटेज के लिए काम करना है। फिर हमने बोला दे आर बाउंड टू बी जस्ट एंड फेथफुल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आई वो ये आई कि एक पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो पूरे के पूरे खाते, दे शुड रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अफेक्टिंग फर्म टू एनी पार्टनर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये बहुत सही इंपॉर्टेंट बात थी,
कि ये जिम्मेदारी है पार्टनर की, अगर फॉर्म से रिलेटेड कोई बात है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उसके खाते दूसरे पार्टनर्स को बताना चाहिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर को बताना चाहिए। फिर हम आगे गए, हमने सेक्शन 10 की बात की। सिंपली स्टेटेड सेक्शन 10 में फ्रॉड का मामला आ जाता है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई लॉस कॉज्ड बाय द फ्रॉड। हमने इसमें सिंपल बोला था, अगर पार्टनर के कोई कंडक्ट से फर्म को लॉस होता है, जहां पार्टनर ने फ्रॉड किया है, तो ये पार्टनर की जिम्मेदारी है, द पार्टनर विल हैव टू इंडेमनीफाई अगेंस्ट द लॉस विच हैज बीन कॉज्ड। तो ये याद रखना पड़ेगा कि अगर पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया जिसकी वजह से फर्म को लॉस हुआ, तो ये याद रखना द पार्टनर विल हैव टू इंडेमनीफाई द फर्म। जो नुकसान फर्म को पार्टनर के फ्रॉड की वजह से हुआ है, उसकी भरपाई करके देनी पड़ेगी। फिर हम आगे गए, हमने बात की डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज। हमने इसमें सबसे पहले बोला कि जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है पार्टनर्स की, वो अग्रीमेंट से डिसाइड की जा सकती है, ये पार्टनरशिप डीड में आप लोग स्थापित कर सकते हो। फिर हम आगे गए, हमने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। फिर हमने इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बोली, क्योंकि हमने राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स की बात की, हमने बोला कि हम पार्टनरशिप डीड के तहत कुछ कुछ अग्रीमेंट में क्लॉजेज डाल सकते हैं, कंडीशंस डाल सकते हैं। यहां हमने एक पर्टिकुलर चीज पढ़ी थी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से थोड़ी मिलती थी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का थोड़ा सा इसमें हिस्सा आता था। हमने कहा था एज पर सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आमतौर पर इन ऑर्डिनरी कोनोटेशन, इन जनरल कोनोटेंस, एज पर सेक्शन 27, अगर कोई भी ऐसा अग्रीमेंट है, एनी अग्रीमेंट विच रिस्ट्रेन्स एनी काइंड ऑफ ट्रेड प्रोफेशन या कॉमर्स, ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जो कोई धंधा करने से रोके, उसे आमतौर पर वॉइड मान लिया जाता है। हाउएवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इसके 3 एक्सेप्शन है, जिसमें से एक एक्सेप्शन स्पेसिफिकली पार्टनरशिप फर्म को लेकर है, जिसमें लिखा हुआ है कि जब फर्म में कोई पार्टनर एडमिट होता है, तो हम वो पार्टनर को बोल सकते हैं कि जिस फर्म में तू बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है, जिसमें एज अ पार्टनर तू ज्वाइन कर रहा है, वो सिमिलर बिजनेस थोड़ी सी सिमिलर टेरिटरी में रीजनेबल पीरियड के लिए तू फर्म छोड़ने के बाद नहीं कर पाएगा। याद रहेगा क्या? अ फर्म में आस्क अ पार्टनर नॉट टू कैरी अ बिजनेस विच इज सिमिलर टू द फर्म। ये भी एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें मैं पार्टनर को बोल रहा हूं कि तू इंडिविजुअली धंधा मत कर, सेम धंधा मत कर जो फर्म धंधा करती है। ओके, ये रीजनेबल कंडीशन है, ये रीजनेबल रिस्ट्रेन है भाई भाई। फिर हम कंडक्ट ऑफ बिजनेस में गए। जब हम कंडक्ट ऑफ बिजनेस में गए, हमने सबसे पहले क्या बोला? जब हम कंडक्ट ऑफ बिजनेस में गए, हमने बोला पार्टनरशिप डीड में जो लिखा होगा वो तो उसमें तो कुछ भी लिखा हो सकता है, उसमें तो हम बिल्कुल सब अपने हिसाब से गवर्न कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से क्या होगा? सबसे पहले हमने बोला द पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट। सबसे पहले हमने क्या बोला? पार्टनर की ये जिम्मेदारी, पार्टनर का ये अधिकार है कि वो हर डिसीजन मेकिंग में अपना बात बताए, अपना कंसेंट दे। फिर हमने बोला कि पार्टनर की जिम्मेदारी कि वो डिलीजेंटली बिजनेस कंडक्ट करे। और लास्ट में हमने बोला भाई अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिफरेंसेस अराइज हो गए, ऐसे केस में डिसीजन कौन लेगा? मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर। फिर इसमें हमने एक बात बोली थी, भले डिसीजन मेजोरिटी लेंगे, लेकिन All the partners must be given opportunity of being heard. सबको अपनी बात रखने का मौका मिले, सब अपना अपना बात को रिप्रेजेंट करने का मौका जरूर लेंगे भाई भाई। फिर हम आगे आए, हमने बोला All partners shall have right to access the books of accounts. Number 2, they have right to inspect the books of accounts. Number 3, in the event of death of the partner, ये अधिकार उनके लीगल हेयर का है, ये अधिकार उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उनके लीगल हेयर का रहेगा। इसी फिर हम आगे गए, हमने म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज की बात की। हमने कहा आमतौर पर जो होगा वो इसके हिसाब से होगा, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से जो होगा वो यहां लिखा है, लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्ट मत करना खुद को। मैंने आपको बोला था कि द पार्टनर्स में है डिफरेंट कंडीशंस इन द अग्रीमेंट। नाउ म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज की बात करते हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। नंबर 1, आमतौर पर जिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म में आप एज पार्टनर ज्वाइन करोगे, क्या उस पार्टनरशिप फर्म में आपको अलग से रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, अलग से सैलरी मिलनी चाहिए? नहीं। सेकेंड, आमतौर पर जनरल कोनोटेंस में अगर आपने अग्रीमेंट में कुछ और नहीं लिखा है, तो सभी पार्टनर्स का प्रॉफिट में और लॉस में इक्वल अधिकार होगा। थर्ड, हमने बोला था कि अगर हम नॉर्मल केस की बात करें, तो जो कैपिटल में कंट्रीब्यूशन जाता है पार्टनर का, उसके ऊपर उसको क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ब्याज मिलना चाहिए। फिर हम आगे गए, हमने कहा भाई अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से ज्यादा अगर आपने पैसा भर दिया है, तो आपको मिनिमम 6% ब्याज मिलेगा, मिनिमम 6% इंटरेस्ट मिलेगा। ईजी। फिर हम आगे गए, हम लोग और बात किए, हम लोग ये भी बोले कि द फर्म विल हैव टू इंडेमनीफाई द पार्टनर। दो केस में, पहला तो नंबर 1, अगर पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे कोई पेमेंट कर दी, या अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में अगर फर्म का लॉस बचाने के लिए पार्टनर ने कोई एक्शन ले लिया, ऐसे केस में हमने बोला था कि फर्म विल इंडेमनीफाई द पार्टनर। अरे याद आ रहा है क्या? फिर हम आगे गए, द पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर रॉन्गफुल कंडक्ट। अगर पार्टनर ने कोई गड़बड़ करी है, रॉन्गफुल कंडक्ट करा है, तो पार्टनर की भी जिम्मेदारी है कि वो इंडेमनीफाई करके देगा भाई भाई। फिर हमने सेक्शन 14-15 देखा, जो कि काफी आसान था। हमने फर्म की प्रॉपर्टी की बात की, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की बात की। सबसे पहले हमने बोला प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, हमने कहा आमतौर में नॉर्मली
सारी प्रॉपर्टी, सारा इंटरेस्ट, सारे अधिकार जो पार्टनरशिप फर्म के धंधे के लिए लिए गए हैं उसे हम लोग पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी मानेंगे। हमने ये भी कहा था कि इसमें पार्टनरशिप का गुडविल भी आ गया, ऑफकोर्स अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड इन द अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट में कुछ और लिखा है तो बात अलग है, वरना आमतौर पर गुडविल को हम पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मानेंगे। इसमें हमने ये भी एक क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर आदित्य भाई कोई प्रॉपर्टी पार्टनर की है और वो प्रॉपर्टी पार्टनर की यूज की जा रही है बिजनेस के लिए, दैट डज नॉट मीन कि वो प्रॉपर्टीज फर्म की हो गई, वो पार्टनरशिप फर्म की ही रहेगी, वो पार्टनर की ही रहेगी, आई एम सॉरी। ठीक है, तो अगर पार्टनर की प्रॉपर्टी है, फर्म के बिजनेस के लिए यूज की जा रही है, वो प्रॉपर्टी पार्टनर की ही रहेगी। फिर हम आगे गए, हमने पर्सनल प्रॉफिट्स की बात की। डोंट बी सो भोला, क्योंकि सेक्शन 16 तुम्हें पर्सनल प्रॉफिट नहीं बनाने देगा। अगर तुम फर्म के पार्टनर हो और तुम फर्म के साथ ही ट्रांजैक्ट करके प्रॉफिट बना रहे हो तो आमतौर पर दिस इज नॉट अलाउड। इफ द पार्टनर डिराइव्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ फर्म, पार्टनर को वो पैसा वापस करना पड़ेगा। एक पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म के साथ अगर कोई अग्रीमेंट करेगा तो उसको वो पैसा जो उसने पार्टनरशिप फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करके कमाया वो वापस देना पड़ेगा। अरे याद आ रहा है क्या? पक्का? फिर हम राइट्स एंड ड्यूटीज में गए। काफी आसान प्रोविजन था, काफी रेगुलर प्रोविजन है, थोड़ा स्पीड में भी जा सकते हैं इसमें हम लोग। नाउ हाउ चेंजेस कैन हैपन। सबसे पहले हमने बोला भाई अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंजेस आए, अगर नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म चेंज हुआ तो क्या होगा। हमने कहा पार्टनरशिप में चेंजेस कैसे आ सकते हैं, कोई नया पार्टनर आया या पार्टनर गया। वेयर पार्टनरशिप कंसर्न कैरीज ऑन बिजनेस अदर देन बिजनेस फॉर विच इट इज ओरिजिनली फॉर्म, जिस पर्टिकुलर मकसद के साथ मैंने फर्म को खोला था, अगर उसके अलावा मैं कोई नया धंधा कर रहा हूं तब भी नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म तो बदल गया। लास्टली जब फर्म का जो टर्म है, ड्यूरेशन है, वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये चार इवेंट्स में पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, हाँ या ना? ऐसे केस में नंबर वन, अगर फर्म कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर दे रिमेन सेम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, राइट्स एंड ड्यूटीज रिमेन सेम। वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग इज बीइंग कैरिड आउट, जो ओरिजिनल अंडरटेकिंग के राइट्स एंड ड्यूटीज थे वो रिमेन सेम। इजी, लास्ट इजी। फिर हम आगे गए, हमने रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज की बात की। फोकस करें, सब छोड़ो फोकस। फिर हमने रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज की बात की। अगर हम पार्टनर्स का थर्ड पार्टीज के साथ रिलेशन क्या होगा उसकी बात करें, सेक्शन 18, 19, 20, 21, ये पूरा का पूरा पार्टनरशिप एक्ट का कंटेंट आ रहा है। सवाल जवाब जो बनेंगे यहीं से बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। सुनो, नंबर वन, सबसे पहले हमने बोला भाई पार्टनर जो है ही इज ऑलवेज द एजेंट ऑफ द फर्म। क्यों? क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज देयर। एक पार्टनरशिप फर्म का नेचुरल ही एजेंसी क्रिएट हो जाती है फर्म बनने के बाद। वन पार्टनर इज एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ अदर पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे सभी पार्टनर को बाइंड करेगा, एक पार्टनर फर्म को भी बाइंड करेगा। तो ये म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट है, इस वजह से पार्टनर जो है उसे हम एजेंट ऑफ फर्म भी बोलते हैं। सेकेंड, हमने कहा अरे भाई अब बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी आई हैव समथिंग इंप्लाइड, मेरे पास कोई इंप्लाइड अथॉरिटी भी है। आमतौर पर द पार्टनर विल ऑलवेज हैव सम इंप्लाइड अथॉरिटी बाय इटसेल्फ, यस नो? लेकिन हमने ये भी बोला था कि जस्ट बिकॉज द पार्टनर इज इंप्लाइड अथॉरिटी, आमतौर पर किसी भी फर्म का जो नॉर्मली धंधा है, बिजनेस है, वो कंडक्ट करने के लिए पार्टनर अगर कुछ करे तो ही हैज इंप्लाइड अथॉरिटी। लेकिन उसमें हमने बोला था इंप्लाइड अथॉरिटी डज नॉट मीन फ्यू थिंग्स। बैंक के अकाउंट ऑपरेट करना इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है, बोरो करना इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है। तो ऐसे कई सारे सिचुएशन है जिसको हम इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं मानते। फिर हम गए सेक्शन 20, हमने पढ़ा सेक्शन 20 में, हमने कहा अरे भाई नॉर्मली कोई पार्टनरशिप फर्म खुलेगी तो पार्टनर्स विल हैव सम इंप्लाइड अथॉरिटी, लेकिन क्या पार्टनर के अधिकार को बढ़ा सकते? हाँ। रेस्ट्रिक्ट कर सकते? हाँ। क्या मैं बोल सकता हूँ ये पार्टनर हम सबके बिहाफ पे जितना बोरो करना कर सकती है? हाँ। क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस पार्टनर की तो सिग्नेचर अकेले में चलेगी नहीं? हाँ। तो पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी को मैं कम भी कर सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ अग्रीमेंट के हिसाब से। लास्टली पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी, मैंने आपको बार बार बताया कि अगर कोई एक्शन लेना पड़ गया फर्म के लॉस को कम करने के लिए तो ये एक्शन लेने के लिए पार्टनर ले सकता है, और पार्टनर ने जो एक्शन लिया उसके लिए उसको रिइंबर्समेंट मिल जाएगा। अरे क्या तुम्हें याद है? सेक्शन 23 में हम आगे गए, हमने बात की इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। हमने कहा भाई एडमिशन का यहाँ मतलब है गवाही देना। अगर कोई पार्टनर फर्म के खिलाफ गवाही दे रहा है, एविडेंस दे रहा है, ऐसे केस में उसे एविडेंस माना जाएगा अगेंस्ट द फर्म। क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ कि पार्टनर जो गवाही देता है वो हमेशा एडमिसेबल होता है, फर्म के खिलाफ उसे एविडेंस मान लिया जाता है। थर्ड पार्टी के खिलाफ अगर वो गवाही देगा तो उसे जरूरी नहीं है एविडेंस माने, लेकिन अगर कोई पार्टनर अपनी ही फर्म के खिलाफ गवाही दे दे, अपने ही फर्म के खिलाफ गवाही दे दे, उसको हम एविडेंस मान लेंगे। क्या तुम्हें याद है? फिर हम आगे गए, हमने बाकी नोटिस ऑफ इफेक्ट ऑफ नोटिस टू द एक्टिंग पार्टनर। हमने ये भी बोला था अबे अगर हमने कोई एक्टिंग पार्टनर को नोटिस दे दिया तो ये मान लिया जाएगा कि ये सभी पार्टनर्स को नोटिस है, ये फर्म को भी नोटिस है। बस इसका एक ही एक्सेप्शन था, फ्रॉड। अगर एक्टिंग पार्टनर फ्रॉड निकला और इसको हमने नोटिस दिया, किसी को बताएगा ही नहीं। अरे याद आ रहा है क्या?
आमतौर पर अगर मैंने एक्टिव पार्टनर को नोटिस दिया, मान लिया जाएगा कि अब सब पार्टनर्स को नोटिस चला गया या पूरी फर्म को नोटिस चला गया, लेकिन अगर वो एक्टिव पार्टनर एक्टिंग पार्टनर फ्रॉड निकला तो ये हमारा जो डिसीजन है, ये जो हमारा प्रोविजन है, ये काम नहीं करेगा। जिंदाबाद। फिर हम आगे गए, हमने कहा लाइबिलिटीज ऑफ थर्ड पार्टीज, इसके क्वेश्चन भी मैंने कराए थे, आपको याद होगा बच्चे यहाँ पर थोड़े से अटक भी रहे थे। तो एक पार्टनर की थर्ड पार्टी के लिए क्या लाइबिलिटी है, भक्त से रिवाइज करते हैं, भक्त से खत्म करते हैं। सेक्शन 25 हमने यहाँ बोला लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ फर्म। सेक्शन 26 लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर। थर्ड लाइबिलिटी फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो पहले केस में हमने बोला भाई पार्टनर की लाइबिलिटी फर्म की एक्ट के लिए क्या रहेगी, फर्म की लाइबिलिटी रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर के लिए क्या रहेगी। सेक्शन 25 में हमने बोला कि भाई अगर पार्टनर ने अगर फर्म ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई डिसीजन ले लिया है तो उसके लिए पार्टनर भी लायबल हो जाएगा। सेकंड में हमने बोला कि अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी पार्टनर ने एक बिजनेस के लिए डिसीजन लिया है, इट विल बाइंड द इंटायर फर्म, बट इसकी कंडीशन यही है कि एक्ट जो होना चाहिए वो पार्टनर द्वारा होना चाहिए बिजनेस कोर्स में, दूसरा विद अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स होना चाहिए। फिर हम सेक्शन 27 में गए। सेक्शन 27 में हमने बोला लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। हमने सबसे पहले बोला कि अगर थर्ड पार्टी से पैसा मिला फर्म को, फर्म ने उसको किया मिस अप्लाई, लायबिलिटी। अगर फर्म के नाम पे पैसा लिया पार्टनर ने, वो फंड्स को मिस अप्लाई किया, लायबिलिटी रहेगी। याद रहेगा किसकी, फर्म की। फिर हमने सेक्शन 29 देखा, बहुत ही खतरीजान प्रोविजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन, बहुत ही रेलेवेंट प्रोविजन। सेक्शन 29 जब हमने देखा, सेक्शन 29 में हमने बोला अगर कोई पार्टनर अपना पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा। ओके, सबसे पहले तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं राइट्स ऑफ ट्रांसफरी। एक पार्टनरशिप फर्म में एक एग्जिस्टिंग पार्टनर ने अपनी हिस्सेदारी, अपना पार्टनरशिप फर्म का हिस्सेदारी किसी को, किसी के पास गिरवी रख दिया, किसी के पास ट्रांसफर कर दिया, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, या अपना पार्टनरशिप फर्म में जो इंटरेस्ट था उसको गिरवी रखा, तो वो सामने वाला जो है जिसको ट्रांसफर किया है उसका क्या अधिकार होगा, उसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था, मान लीजिए तीन पार्टनर्स हैं, तीन पार्टनर्स में से एक पार्टनर अपनी हिस्सेदारी एसबीआई के पास गिरवी रख रहा है, क्या एसबीआई पार्टनर बन गई, नहीं। क्या एसबीआई पार्टनरशिप फर्म के डिसीजन लेगी, नहीं। क्या एसबीआई को प्रॉफिट्स मिलेंगे, हाँ। क्या एसबीआई अकाउंट मांग सकती है, नहीं। क्या एसबीआई अकाउंट मांग सकती है, इट डज नॉट एंटाइटल द ट्रांसफरी ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ फर्म। तीन चीजें अलाउड नहीं है, डिसीजन मेकिंग अलाउड नहीं है, अकाउंट्स मांगना अलाउड नहीं है, इंस्पेक्शन अलाउड नहीं है, प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी अलाउड रहेगी, याद रहेगा। अच्छा, अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो ट्रांसफरी जो है ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर ऑफ असेट्स ऑफ फर्म, ठीक है। चलिए फिर हमने माइनर की बात की सेक्शन 30 में। जब हमने माइनर की बात करना शुरू किया, मैंने आपको इसके बारे में काफी क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवाए और मैंने आपको समझाया भी था कि माइनर के बारे में पढ़ते वक्त किस तरह से सोचना चाहिए। आमतौर पर माइनर जो है वो पार्टनर बन नहीं सकता, यस नो, लीगल पर्सन ही नहीं है, बट क्या माइनर को हम पार्टनरशिप फर्म में बेनिफिशियल इंटरेस्ट दे सकते हैं, यस इज द आंसर। अरे याद आ रहा है क्या, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अब समस्या ये है कि छोटू बड़ा हो गया, मेजर हो गया, उसके बाद क्या होगा, दो चीजें हो सकती है जोशी जी, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी और ऑन गेटिंग नॉलेज दैट आई एम हैविंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप फर्म। वो डिसाइड कर सकता है कि मैं पार्टनर बनूं, वो डिसाइड कर सकता है मैं ना बनूं। ये फैसला कितने दिनों के अंदर लेना है, जिस दिन पता चला या जिस दिन मेजोरिटी अटेन हुई, विच एवर इज लेटर, उसके 6 महीने के अंदर ये राइट को इलेक्ट करना है। अगर राइट को इलेक्ट नहीं किया, आप डीम्ड पार्टनर बन जाओगे। अरे याद आ रहा है क्या, अरे क्लास याद आ रहा है क्या। चलिए सेक्शन 30 में हम गए, हमने सबसे पहले बोला माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर बट ही कैन गेट द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द फर्म बट विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर। फिर हम आगे गए, हमने कहा भाई अगर वो माइनर को बेनिफिशियल इंटरेस्ट मिला तो ही हैज राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ फर्म एज अग्रीड, तो उसको उतनी प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी, उतने प्रॉफिट में शेयर मिलेंगे एज अग्रीड। फिर हमने कहा माइनर का जो शेयर है, आमतौर पर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी की बात हो रही है, माइनर शेयर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ फर्म बट माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल। अगर कल को फर्म को नुकसान हुआ तो माइनर का शेयर, माइनर की हिस्सेदारी जो है, उस हिस्सेदारी से भले हम बाहर वालों को कर्जा चुकाएंगे लेकिन माइनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को टच करना अलाउड नहीं है। माइनर के नॉट सू द पार्टनर्स फॉर पेमेंट ऑफ हिज शेयर अंटिल वो अलग हो रहा है। आमतौर पर जब तक वो माइनर है, वो अभी बड़ा हुआ ही नहीं है, डिसीजन आई नहीं है बड़े होने के बाद की, अभी वो माइनर है, जब तक माइनर अपना पूरा इंटरेस्ट अलग ना करवा दे फर्म से, तब तक वो सू नहीं कर सकता पार्टनर्स को अपने शेयर के लिए। इजी। फिर हम आगे गए, हमने बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी जोड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट हमने बात की,
हमने कहा याद रखे माइनर जिस दिन मेजोरिटी अटेन करेगा या जिस दिन उसको पता चलेगा कि उसका पार्टनरशिप फर्म में बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, विच एवर इज लेटर, उसके विद इन सिक्स मंथ्स के अंदर क्या करना पड़ेगा भाइयों, उसके विद इन, अरे बोल ही नहीं रहे, उसके विद इन सिक्स मंथ्स के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको डिसीजन देना पड़ेगा, इलेक्ट करना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि आप पार्टनर बनने का डिसाइड किए हो या यू चूज टू इलेक्ट दैट यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ पार्टनर या यू डोंट वांट टू बिकम अ पार्टनर। ये डिसीजन का पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा 6 महीने के अंदर, नहीं दिया तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आप इसके डीम्ड पार्टनर हो। इजी। फिर हम आगे गए, हमने ये भी बोला कि इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 2 मिनट के लिए मॉड्यूल से रीड कर लेते हैं, हमने यहां आपको लिखवाया था, इसको जल्दी से एक बार रीड कर लेते हैं, जल्दी से आइए सब छोड़ो, 2 मिनट इधर फोकस करो, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आप सिर्फ यहां फोकस करो। आइए क्लास, सिर्फ इस पॉइंट को फोकस करो, माइनर की राइट्स और लाइबिलिटीज के लिए। आइए क्लास, मार्क की हुई फाइल कहीं और है, माइनर के राइट्स की हमने बात की थी, 2 मिनट के लिए फोकस कर लेते हैं। माइनर पार्टनर हैज राइट टू हिज अग्रीड शेयर, ही कैन हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट और कॉपी द अकाउंट्स ऑफ फर्म। थर्ड, क्या वो पार्टनर्स को स्यू कर सकता है अकाउंट्स के लिए, बट जब वो पार्टनरशिप फर्म से अलग हो रहा हो, मेजोरिटी अटेंड करने के बाद या जिस दिन उसको नॉलेज मिला उसके 6 महीने के अंदर उसको वो डिसीजन देना पड़ेगा कि वो बनना चाहता है कि नहीं। ओके अच्छा, अगर वो पार्टनर बनने का डिसाइड करता है तो ऐसे केस में वो उतने ही शेयर का इंटाइटल्ड रहेगा जितना उसका माइनर के वक्ता, लेकिन इफ ही डज नॉट चूज दैट देन इन दैट केस शेयर विल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर मेजॉरिटी अटेंड करने के बाद उसने ये डिसीजन लिया कि मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता, ऐसे केस में अगर लायबिलिटी आई भी तो उसके पार्टनरशिप के शेयर को भी लायबल नहीं माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अरे याद आ रहा है क्या। फिर लाइबिलिटीज की भी बात की थी, ये पॉइंट मैंने बोला भी था आपको कि इसको साथ साथ में करेंगे, बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। मैं चाहूंगा आपका स्क्रीन पे 2 मिनट के लिए ज्यादा फोकस रहे। एक माइनर जो है बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी इसका क्या रहेगा, ये एग्जैक्टली देख लेते हैं। बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी हमने कहा था कि लाइबिलिटी जो है सिर्फ उसके शेयर की है, उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। माइनर इंसॉल्वेंट भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर फर्म इंसॉल्वेंट हुई भी तो जो उसका फर्म में हिस्सेदारी होगा उससे वैसा वसूला जाएगा। लेकिन मेजोरिटी अटेंड करने के बाद दुनिया बदल जाती है, मेजोरिटी अटेंड करने के बाद उसकी लाइबिलिटीज में चेंजेस आ जाते हैं, इसीलिए पॉइंट थोड़ा ज्यादा फोकस करवा के करवाया था। हमने कहा था विद इन सिक्स मंथ्स, इसको बोलो मेरे साथ याद कर लो, विद इन सिक्स मंथ्स ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी और ऑन ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैज बीन एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विच एवर इज लेटर, द माइनर हैज टू मेक अ चॉइस वेदर ही वॉन्ट्स टू रिमेन अ पार्टनर और लीव अ फर्म। अच्छा, वेर ही डिसाइडेड, वेर ही हैज इलेक्टेड नॉट टू बिकम अ पार्टनर, ही मे गिव पब्लिक नोटिस that he has elected not to become a partner and if he fails to give notice, aisa maan liya jayega ki wo deemed partner hai. Easy. Class easy. Uske baad, where he elects not to become a partner, ye maine aapko baar baar bola tha, agar minor major ban gaya aur usne ye choice li ki wo partner nahi banna chahta hai, yahan Vishal bhai sab badal jayega. His rights and liabilities continue to be those of minor. His share, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं इस बात पे ज्यादा फोकस किया जाए, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड्स, माय लॉर्डशिप्स, अगर माइनर बड़ा हुआ मेजर हुआ और उसने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मुझे नहीं बनना पार्टनर, तो उसका शेयर भी लायबल नहीं है, जो उसका इंटरेस्ट था बेनिफिशियल इंटरेस्ट था, अब इवन दैट इज नॉट लायबल। अब पार्टनरशिप फॉर्म में उसका वो जो शेयर है उससे भी हम लायबिलिटी नहीं चुकाएंगे, वो सेफ हो गया आपका। इजी। चलो माइनर का पोर्शन खत्म करने के बाद हम आगे गए, कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी, मैं रिपीट करके बोल रहा हूँ, मैंने तुमको भाषा पे भी काम करवा दिए, जाने अनजाने में कोई कोई चीज़ें थोड़ी अजीब थी वो मैंने इतने बार बोल दिए कि तुम बाय डिफॉल्ट ठीक हो गए हो। मेरे को डर सिर्फ इस बात का है कि मई और जून में मैं और तुम ज़्यादा मिलेंगे नहीं, बैच खत्म हो जाएगी ना, तो मई और जून में भी आना है तूफान में मोस्ट वेलकम हो, आपसे कोई फीस मेरी बैच में चार्ज नहीं की जाएगी, तो इफ़ यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ तूफान बैच आने वाली है यू कैन अटेंड इट। जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनसे कोई फीस नहीं लेने वाली है, 7-8 दिन 10 दिन लॉ को इतना पढ़ लो कि मैं चला जाऊं तो तुम आगे पढ़ाने लग जाओ, इतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाए। चलो ओके फोकस। अच्छा, यहां तक के एजेंडा में 10 आइटम थे, अब सेक्शन 31 से लेकर 38 तक यही यूनिट में है। इस यूनिट में सेक्शन 29, सेक्शन 30, राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी,
राइट्स ऑफ द माइनर, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब यहां से, एक पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना छोड़ देता है तो उसके अधिकारों का क्या होगा, इसको फोकस करते हैं। तो यहां हम इस टाइप की बात करेंगे, पार्टनर रिटायर हो गया तो, मर गया तो, ये हो गया तो, ऐसी बातें यहां से शुरू हो जाएगी, फोकस करें। सबसे पहले तो अगर कोई पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है, ऐसे केस में इट विल हैपन ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सेकेंडली, पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप डीड में इसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन भी हो सकती है। अक्सर कई सारे परिवार ऐसी भी कंडीशन डालते हैं कि पार्टनर सिर्फ परिवार का ही मेंबर बनेगा, ऐसे भी होते हैं। आप और आपके भाई ने एक पार्टनरशिप फर्म खोली, दोनों बड़े हो गए, दोनों के बच्चे हो गए, तो आप ये कंडीशन नहीं डलवाओगे कि भैया कोई आएगा तो घर का ही आएगा, नहीं तो तू तो किसी को भी लाएगा। पार्टनर इंट्रोड्यूस विल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट डन। जब आप पार्टनर बनते हो उसके पहले अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो क्या उसके लिए नए पार्टनर की लायबिलिटी रहेगी? नहीं रहेगी। फिर हमने रिटायरमेंट की बात की। अच्छा, रिटायरमेंट कैसे होगी? एक दिन मेरे मन में आएगा, मैं सोचूंगा बस हो गया, मेरा हो गया रिटायरमेंट? नहीं, या तो वो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स से होगी, या तो एक्सप्रेस अग्रीमेंट के तहत होगी, या तो आप पार्टनरशिप एट विल पे हो तो आप नोटिस दोगे। वो भी कैसे? हमारे बीच में इतना टेलीपैथी नहीं होने वाला है कि मैंने सोचा तो था तूने समझा नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, लिख के देना पड़ता, ईजी। अच्छा, अभी रिटायरिंग पार्टनर के बारे में जबरदस्त प्रावधान है, रिटायरिंग पार्टनर को होल्डिंग आउट के भी प्रावधान लग जाते, इसके बारे में जबरदस्त बातें हमने करी थी, जबरदस्त कंडीशन है मैंने आपको बताई थी, और ये कंडीशन है बताते बताते आपका मुंह भी उतर गया था। इसका मतलब यही था कि ये चीजें इतनी आसान नहीं है, बच्चे को थोड़ा कमजोर करती है। आइए देख लेते हैं पार्टनर रिटायर कैसे हो सकता है, या तो अग्रीमेंट से, या तो कंसेंट ऑफ पार्टनर से, या तो रिटन नोटिस देके। इसके बाद मैंने बोला कि पार्टनर बनने के पहले जो लायबिलिटी थी क्या वो नए पार्टनर पे आएगी? नहीं। फिर हमने बोला कि रिटायरिंग पार्टनर को रिटायर होने के बाद हम उसकी सभी दायित्वों से मुक्त कर सकते हैं। शर्मा जी, मैं बोल सकता हूं कि मैं रिटायर हो रहा हूं, मैं रिटायर होने के बाद किसी भी थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं रहूंगा, लेकिन ऐसा बोलने के लिए मुझे सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर और थर्ड पार्टी के साथ अग्रीमेंट करना पड़ेगा कि चलो आई एम गोइंग नाउ, मैं यहां से जा रहा भाई, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो थर्ड पार्टी तुम आपस में देख लो भाई, मेरा हो गया भाई, लेकिन इसके लिए मुझे इनका कंसेंट और अग्रीमेंट करवाना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी मेरे जाने के बाद फर्म के साथ अग्रीमेंट करती है और वो थर्ड पार्टी को मेरे बारे में मालूम भी नहीं है, तो घंटा मेरी वैसे भी कोई लायबिलिटी नहीं है, अग्रीमेंट नहीं भी किया तो भी नहीं है, मेरे जाने के बाद तुम दोनों आपस में कर रहे हैं, मेरे को जानते भी नहीं, तो मेरी लायबिलिटी कैसे आई भाई? इजी, यही सत्य है। फिर हम आगे गए, हमने कहा रिटायरिंग पार्टनर एंड अदर पार्टनर्स दे कंटिन्यू टू बी लायबल एज पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी। ये याद रहे कि पब्लिक नोटिस दे देना चाहिए, अगर कोई एक पार्टनर रिटायर होता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को, कोई भी पार्टनर को या आउटगोइंग पार्टनर को नोटिस दे देना चाहिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि फर्म हैज बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड। हम आगे गए, हमने बात की एक्सपल्शन की। एक्सपल्शन का मतलब था पार्टनर को बाहर करना। तीन कंडीशन थी, एक पार्टनर को हम कब बाहर कर सकते हैं। नंबर वन, द पावर टू एक्सपेल एनी पार्टनर मस्ट एग्जिस्ट इन द पार्टनरशिप डीड। नंबर टू, पार्टनर को एक्सपेल करने के लिए मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। नंबर थ्री, ये पर्सनल ग्रज निकालने के लिए मत करना, किसी को विक्टिमाइज करने के लिए मत करना, किसी के खिलाफ पर्सनल बदला लेने के लिए मत करना। दिस हैज टू बी डन इन गुड फेथ। याद आ रहा है क्या मॉड्यूल का एग्जाम्पल? तीन पार्टनर है, दो पार्टनर्स की और वो तीसरे पार्टनर की वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया, तीसरे पार्टनर को निकालने के लिए डिसीजन लिया गया, इज इट वैलिड? फिर हमने कंगलेपन की बात की। हमने कहा अगर कोई पार्टनर कंगला हो गया, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा? हमने सबसे पहले बोला अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, ही सीजेस टू बी द, अरे भाई याद आ रहा क्या? क्लास शो सम एनर्जी, कम ऑन यार। हमने सबसे पहले बोला अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो ही सीजेस टू बी अ पार्टनर, याद आ रहा है क्या? ठीक है, कर लेंगे ना, इंसॉल्वेंसी की बात करवा तो समझोगे तुम, मैंने तभी भी बताया था वैसे, तुम बराबर नोट मेकिंग नहीं हुई थी, सेक्शन 30 के बाद आएगा वो, 34 के बाद आएगा। आइए, इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। नंबर वन, द मोमेंट द पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट ही विल सीज टू बी अ पार्टनर। नंबर टू, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट फर्म इज नॉट डिसॉल्व। अगर आमतौर पर अगर ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि डिसॉल्यूशन पर किसी की इंसॉल्वेंसी में डिसॉल्यूशन नहीं होगी तो डिसॉल्यूशन नहीं होगी। फर्दर, अब जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है क्या वो फर्म की लायबिलिटी के लिए लायबल रहेगा? लास्टली, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया है
उसके बाद भी वो बाहर जाके सबको ऐसे दिखा रहा है, ये फॉर्म है ना, मैं इसका पार्टनर हूं, देना पैसा। तो अगर ये इंसॉल्वेंट पार्टनर बाहर पर्सनल कैपेसिटी में फॉर्म को रिप्रेजेंट करके उनके नाम से पैसा वैसा ले रहा है तो फॉर्म भी लायबल नहीं रहेगी। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसकी प्रैक्टिस भी कराई थी। एक केस तो दिखा दूं, अरे चंद्र चंद्रिका वाला केस दिखा दूं क्या? आ जाओ भाई, ये जो केस है ये, आइए क्लास, एक केस लो दिखा देता हूं। आइए क्लास, कम ऑन, बराबर बराबर। सेक्शन 33 का एक केस था, सुनिए। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पार्टनरशिप डीड के एक क्लॉज को एक्सप्लेन किया था। एक पार्टनरशिप डीड के क्लॉज में एक बात लिखी हुई थी कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस से डिसएसोसिएट होना चाहे तो वो कैसे होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जब पार्टनरशिप डीड में साफ लिखा है कि एक पार्टनर को अगर खुद को फर्म से अलग करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसका मीनिंग यही होता है कि ये फर्म में लिखा हुआ है कि कोई एक पार्टनर के जाने से फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। अरे याद आ रहा है क्या? ज्यादा तो नहीं हो रहा है, पक्का? चलो फिर हम आगे गए, हमने लाइबिलिटी ऑफ अ डिसीज पार्टनर की बात की, मरे हुए पार्टनर की लाइबिलिटीज क्या रहेगी उसकी बात की। हमने सीधे सीधे बोला अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसका जो एस्टेट है इट इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ फर्म, जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है इट इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ फर्म, इजी। फिर हमने राइट्स ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर, जो पार्टनर्स छोड़कर जा रहे हैं किसी भी वजह से जा रहे हैं, क्या वो लोग पार्टनरशिप छोड़कर फर्म के ही जैसा बिजनेस कर सकते हैं। हमने कहा हाँ, आमतौर पर यह संभव है कि कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़े और फर्म छोड़ के फर्म के जैसा ही सिमिलर धंधा करे, लेकिन क्या वो फर्म के नाम से कर सकता है? नहीं। क्या वो खुद को ऐसा फर्म का पार्टनर दिखा के कर सकता है? नहीं। क्या वो फर्म के कस्टमर्स को सोलिसिट कर सकता है? नहीं। अच्छा, क्या पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को रोकने के लिए ऐसा अग्रीमेंट कर सकती है कि ये सुनो पार्टनर, तुम अगर हमारी फर्म ज्वाइन कर रहे हो तो छोड़ने के बाद जाकर सिमिलर बिजनेस कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए ये सिमिलर टेरिटरी में मत करना, इज इट अलाउड? यस, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 27 अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का एक्सेप्शन है। फिर हम सेक्शन 37 में गए। सेक्शन 37 में हमने क्या देखा? राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सबसिक्वेंट प्रॉफिट्स। अरे याद आ रहा है क्या? तो वेयर अ मेंबर ऑफ फर्म हैज डाइड और अदरवाइज, अगर कोई मेंबर की डेथ हो गई है या किसी और वजह से ही सीजेस टू बी अ पार्टनर, फॉर एग्जाम्पल किसी रीजन से अगर मैं पार्टनर नहीं रहा तो यह हो सकता है कि मेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट बना रहे, उसी के ऊपर यह प्रावधान है। तो कोई मर गया तो यह संभव है कि सर्वाइविंग पार्टनर जो हैं दे विल कंटिन्यू द बिजनेस। अगर कोई मर जाता है या कोई पार्टनर किसी वजह से ही सीजेस टू बी अ पार्टनर एंड द सर्वाइविंग पार्टनर दे कंटिन्यू द बिजनेस, आउटगोइंग पार्टनर या मरा हुआ है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव दे आर एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट ऑफ 6% ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इफ विदाउट द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट द बिजनेस इज बीइंग कंटिन्यूड। कोई पार्टनर के जाने के बाद, किसी के मरने के बाद, एग्जिस्टिंग सर्वाइविंग पार्टनर विदाउट द फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट विद द पार्टनर अगर वो बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, या तो उनको अपना शेयर मिलता रहेगा प्रॉफिट पे, या तो 6% ब्याज मिलता रहेगा अपने कॉन्ट्रीब्यूशन पे। इसी 38 रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय अ फर्म, अगर फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदला, फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस आए तो कोई भी गारंटी जो फर्म को दी गई होगी, जो फर्म द्वारा थर्ड पार्टी को दी गई होगी, वो रिवोक हो जाएगी फ्यूचर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से। ओके, थैंक यू गाइस, यहाँ पे हम लोग जाते हैं। यूनिट 2 हमारा खत्म हो चुका है। एक भी सेक्शन, एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, ये पूरा पार्ट मॉड्यूल का हमने कवर किया है। यूनिट 2 इज ओवर, यूनिट 3 में जा रहे हैं भाइयों। सबसे पहले फोकस, सबसे पहले यूनिट 3 में टोटल मिला के 5 टॉपिक्स है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, डिसोल्यूशन। अभी डिसोल्यूशन को एक्चुअल में 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, वॉलंटरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, इसीलिए 5 होते हैं, और लास्टली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन। चलिए, रजिस्ट्रेशन में हमने सबसे पहले बोला कि फर्म की रजिस्ट्रेशन जो है, आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास डॉक्यूमेंट फिजिकली या बाय पोस्ट भेजा के फर्म को रजिस्टर करवा सकते हो। जब आप फर्म को रजिस्टर करवाना चाहोगे तो पहले फर्म का नाम, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ पार्टनर्स, डेट ऑन विच ईच पार्टनर ज्वाइंस इन। बहुत बच्चे बोलते हैं सर पार्टनर किस डेट पे ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों लिखना है? वो इसीलिए है क्योंकि फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। मान लीजिए फर्म खोलने के 3-4 साल बाद रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे तो अब तक कौन कौन पार्टनर था, किस डेट पे वो बना, वो सब भी आपको लिख के देना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म कौन से बिजनेस में है,
फर्म का ड्यूरेशन क्या है वो बताना पड़ेगा। खास बात, ये सारी चीजों पर सारे के सारे पार्टनर्स का सिग्नेचर होना चाहिए या पार्टनर के ऑथोराइज्ड एजेंट का सिग्नेचर होना चाहिए। फिर हम आगे गए, हमने कहा वैसे तो अंडर द इंग्लिश लॉ पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इंडियन लॉ में फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। देर आर नो पेनल्टीज फॉर रजिस्ट्रेशन, हाउ एवर नॉन रजिस्ट्रेशन मे गिव राइज टू सम कॉन्सिक्वेंसेज अंडर सेक्शन 69। कॉन्सिक्वेंस नंबर वन, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ कोर्ट में सूट नहीं फाइल कर सकता। एक पार्टनर फर्म के खिलाफ कोर्ट में सूट नहीं फाइल कर सकता, हालांकि थर्ड पार्टी तुम्हारे खिलाफ सूट फाइल कर सकती है। और एक चीज थी कि तुम क्लेम को सेट ऑफ करवाने के लिए भी ₹100 से ऊपर का कोई क्लेम है उसको सेट ऑफ भी नहीं करवा सकते, याद आ रहा है क्या? फिर हम डिसोल्यूशन में आ गए। डिसोल्यूशन दो प्रकार के थे, डिसोल्यूशन वॉलंटरी भी हो सकता है मतलब पार्टनर्स की एक्ट से, या तो डिसोल्यूशन कंपलसरी भी हो सकता है बाय कोर्ट। वॉलंटरी में हमने सेक्शन 40 से 43 देखा। वॉलंटरी डिसोल्यूशन में हमने कहा नंबर वन डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट बहुत सिंपल है, अगर पार्टनर्स सबके सब पार्टनर्स का कंसेंट आ जाए तो फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, या पर्सुएंट टू पार्टनरशिप अग्रीमेंट अगर हमने पहले से कोई क्लॉज डाल के रखा था तो भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। फिर हमने कंपलसरी डिसोल्यूशन की बात की, हमने कहा कोई कोई केसेस में तो कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा। पहला, अगर सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए या एक को छोड़ के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। या तो अगर पार्टनरशिप फर्म जो बिजनेस करती थी अगर उसको अनलॉफुल मान लिया गया, अगर कोई कानून आ गया, कोई सरकार का नोटिफिकेशन आ गया जिसकी वजह से हमारा धंधा ही अनलॉफुल हो गया, फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। फिर हम आगे गए, हमने कहा डिसॉल्यूशन कोई कोई कॉन्टिजेंट सिचुएशन की हैपनिंग पर भी हो जाएगा। नंबर वन, अगर फर्म फिक्स टर्म के लिए खोली गई थी, फिक्स टर्म खत्म, डिसॉल्यूशन। सेकंड, इफ द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ पर्टिकुलर और सिंगल अंडरटेकिंग एंड दैट ऑब्जेक्ट इज डन, जिस मकसद के लिए साथ आए थे वो मकसद पूरा मुकम्मल हो चुका है, खेल खत्म। थर्ड, ऑन डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर हमने लिखा होगा डेथ की वजह से डिसोल्यूशन होगा, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। लास्टली, बाय एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज इनसॉल्वेंट, ये भी हो सकता है कि हम लिख दें कि एक भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है फर्म डिसॉल्व कर देंगे। फिर हम आगे गए, हमने कहा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एट विल, हमने कहा जब फर्म पार्टनरशिप एट विल वाली बनाई गई है ऐसे केस में पार्टनरशिप में सारे के सारे पार्टनर जो हैं या कोई भी पार्टनर अगर नोटिस दे दे तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। फिर ये भी सवाल आया कि नोटिस देने से तो हम लोग कर सकते हैं डिसॉल्व, लेकिन नोटिस इफेक्ट कब से लेगा? हमने कहा दो चीजें हो सकती है, या तो नोटिस में हमने डेट मेंशन की होगी या तो नोटिस का जो कम्युनिकेशन का डेट होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, याद आ रहा है क्या? फिर हम आगे गए, हमने डिसॉल्यूशन बाय द कोर्ट की बात की। जब हमने डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट की बात की, हमने कहा नंबर वन, अगर इनसैनिटी फर्स्ट केस था, अगर कोई इनसैनिटी की वजह से अगर कोई पार्टनर इनसैनिटी का वो हो जाते हैं, अगर डिक्लेयर कर दिया जाता है ऑफ अनसाउंड माइंड, तो भी हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, बाकी पार्टनर्स अप्लाई कर सकते हैं डिसोल्यूशन के लिए। मिसकंडक्ट की वजह से भी हम लोगों ने देखा था, अगर कोई पार्टनर की मिसकंडक्ट हो रही है जो फर्म के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है, दूसरे पार्टनर्स अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट को। थर्ड, अगर कोई पार्टनर को इलनेस की वजह से या कोई डिसेबिलिटी की वजह से इनकेपेसिटी आ गई है, वो कुछ एक्ट नहीं कर पाएगा, कंडक्ट नहीं कर पाएगा, बाकी पार्टनर्स बोल सकते हैं कि हम फर्म को डिसॉल्व करवाना चाहते हैं। फोर्थ केस में हमने कहा था परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर लगातार बार बार कंसिस्टेंटली कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर कंटिन्यूअसली जो अग्रीमेंट है पार्टनरशिप डीड है उसके ब्रीच कर रहे हैं, बाकी पार्टनर्स कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है। फिर हमने कहा था अगर कोई एक पार्टनर अपनी हिस्सेदारी पार्टनरशिप फर्म की अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर करता है तो दूसरे पार्टनर्स कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है। आगे हमने कहा अगर फर्म को कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे ऐसे केसेस में भी डिसॉल्व कर दिया जाएगा, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। इफ द कोर्ट फील्स इट इज जस्ट एन इक्विटेबल तब भी कोर्ट्स इसको डिसॉल्व कर देंगे। जस्ट एन इक्विटेबल के ग्राउंड कैसे थे? नंबर वन, द सब्सट्रैक्टम ऑफ द बिजनेस हैज गॉन, अगर जिस मकसद के लिए बिजनेस खोला गया था इट इज गॉन, कोर्ट्स विल डीम इट जस्ट एन इक्विटेबल। अगर देर इज अ डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, अगर देर इज द पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, तो कोर्ट बोलेगा यही ये जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड से डिसोल्यूशन के। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट में एम्बेजलमेंट आया था, फ्रॉड आया था, उस वजह से भी हो सकता है, याद आ रहा है क्या? फिर हम आगे गए, हमने बात की कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन की। गाइस फोकस है, प्लीज फोकस है। फिर हमने बात की कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन की। सेक्शन 45, 46, 47, 48, 49 बात करता है कॉन्सिक्वेंसेस की। नंबर वन, 48, 49 तो भयंकर इंपॉर्टेंट है, 45, 46, 47 थोड़े ओके प्रोविजन है, ज्यादा टेंशन नहीं आएगा। 45 नंबर वन, भाई सवाल यह है कि डिसोल्यूशन के बाद भी पार्टनर्स कि लाइबिलिटी पे क्या होने वाला है? लाइबिलिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन, ठीक है, इवन आफ्टर डिसोल्यूशन द पार्टनर्स दे आर लाइबल, दे कंटिन्यू टू बी लाइबल फॉर थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट डन बाय देम अंटिल द पब्लिक नोटिस इज गिवन। हमने कहा था कि अगर डिसोल्यूशन हो गया है उसका पब्लिक नोटिस दे देना चाहिए, अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया है द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स विल रिमेन कंटिन्यू।
फिर हम प्रोविजन पे आए, हमने कहा लेकिन ऊपर वाला प्रोविजन तो बराबर है, उसमें हमने क्या बोला कि डिसोल्यूशन के बाद अगर पार्टनर ने नोटिस दे दिया तो आमतौर पे उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती। नीचे हमने बोला अगर उसने नोटिस नहीं भी दिया तो एक मरे हुए पार्टनर की, एक ऐसे पार्टनर की जो इंस्टॉलमेंट हो गया है, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रहती। थर्ड केस में हमने बोला पार्टनर जो रिटायर हो गया है और वो बाहर वाले उस पर्सन को जो फर्म के साथ डील कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन में भी नहीं है, ऐसे पार्टनर की लायबिलिटी नहीं आती। सिंपल भाषा में अगर कोई पार्टनर है वो रिटायर हो गया है, बाहर वाला कोई थर्ड पार्टी फर्म के साथ डील कर रही है और बाहर वाली पार्टी इस रिटायर्ड पार्टनर के बारे में जानती तक नहीं है, तो इस पर्टिकुलर रिटायर्ड पार्टनर की जिम्मेदारी श्रुति जी नहीं आएंगी। इजी। फिर हम आगे गए, हमने कहा अरे बाबा हमने फर्म को डिसॉल्व कर दिया, नस्ते नाबूद कर दिया, नामो निशान खत्म हो गया फर्म का, उसके बाद भी क्या पार्टनर्स के कुछ अधिकार है? हमने कहा हां है, अगर फर्म को डिसॉल्व कर दिया गया है लेकिन फर्म का कुछ पैसा किसी से लेना बाकी है, फर्म को कुछ पैसा देना बाकी है, अगर कोई एक्ट अधूरे रह गए हैं, ऐसे केस में जो पार्टनर्स हैं देयर राइट्स दे कंटिन्यू, एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड अगेंस्ट ऑल अदर पार्टनर्स टू हैव प्रॉपर्टी ऑफ देम, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ डेट। तो फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसको हम बेच के उसके पैसे से लाइबिलिटी फर्म की चुका सकते हैं, ये अधिकार बरकरार रहेगा। इसके अलावा हमने ये भी बोला था कि डिसोल्यूशन के बाद पार्टनर्स की अथॉरिटी कंटिन्यू रहेगी वाइंडिंग अप के पर्पज के लिए। अगर फर्म खत्म हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, नस्ते नाबूद हो गई है, उसके बावजूद अगर वाइंडिंग अप में कुछ करना बाकी रह गया होगा, कोई चीज की शुरुआत हुई है, कोई काम की शुरुआत हुई है, वही अनफिनिश्ड है, तो पार्टनर्स के पास वो अधिकार है कि वो उस बिजनेस को फिनिश कर सकते हैं। और यहां से आया मेरे भाइयों सेक्शन 48 जो है काफी क्रूशल। हमने सेक्शन 48 में बात की थी सेटलमेंट की, हमने कहा था पार्टनरशिप फर्म के सभी कर्जे कहां से चुकाए जाएंगे। सबसे पहले ये बेसिकली अकाउंटिंग एंट्री वाली बातें थी, सबसे पहले कौन से पैसे निकालने पड़ेंगे? आउट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले अगर पार्टनरशिप फर्म के कर्जे चुकाने होंगे, सबसे पहले फर्म के प्रॉफिट्स में से चुकाए जाएंगे, उसके बाद फर्म के कैपिटल से चुकाए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो पार्टनर से एडिशनल पैसा मंगाया जाएगा एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर हमने बोला कि ठीक है, अब जब हम कर्जे वगैरह चुका रहे होंगे, पार्टनरशिप फर्म के जो असेट्स टोटल मिला के बच गए होंगे, एक्यूमुलेट हो गए होंगे, अब हम किस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में डेट्स चुकाएंगे, किस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में पार्टनरशिप के असेट्स को बांटा जाएगा डिसोल्यूशन के बाद? हमने कहा सबसे पहले बाहर वाले, सेकंड नंबर अगर पार्टनर्स ने फर्म को कैपिटल नहीं लोन दिया, एडवांस दिया, तो वो एडवांस और लोन का पैसा सेकंड प्रायोरिटी में जाएगा, और उसके बाद जो पार्टनर का खुद का कैपिटल कंट्रीब्यूशन आया था वो उनको वापस दिया जाएगा, और ऋषिका लास्ट में कुछ बच गया तो वो पार्टनर्स में बांटा जाएगा। अरे याद आ रहा है क्या? फिर हम आगे गए, हमने ई की बात की, फंडामेंटली ई मतलब सेक्शन 49 आ गया। सेक्शन 48 की एक बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फर्म के असेट्स बचा हुआ पैसा सरप्लस कैसे प्रायोरिटी में बांटा जाएगा? सबसे पहले बाहर वाले, उसके बाद फर्म के पार्टनर्स का लोन एडवांस आया है तो वो, उसके बाद फर्म का पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन जो उनका दिया होगा, और सबसे बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 48 काफी देसी वर्जन है, और पैसा कहां से निकाला जाता है भाइयों वो भी एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूं। सबसे पहले हम फर्म के प्रॉफिट्स में से निकालते हैं, फिर हम कैपिटल में से निकालते हैं, और उसके बाद भी देने का बकाया बाकी रह गया तो एक एक पार्टनर से मंगवा लेंगे। ओके, फिर हम आगे गए, हमने सेक्शन 49 की बात की। सेक्शन 49 में हमने बोला कि देखो भाई, अगर फर्म के भी डेट्स है, पार्टनर के भी डेट्स है, दोनों के डेट चुकाना है तो कैसे चुकाएंगे? हमने कहा अगर फर्म के भी डेट्स है, पार्टनर की भी डेट है, उसको चुकाने के लिए अगर हमने फर्म की प्रॉपर्टी बेची, फर्म के भी डेट्स हैं, फर्म के पार्टनर्स के भी पर्सनल अलग से डेट्स हैं, ऐसे केस में अगर पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी बेची गई तो बेचे हुए जो भी सेल प्रोसीड जाए होंगे बेचने से पहले, उस पैसे से फर्म की लायबिलिटी को चुकाया जाएगा। बचे हुए पैसे से हम देखेंगे कि बचे हुए पैसे से एक एक पार्टनर का कितना हिस्सेदारी बनता है, एक एक पार्टनर का जितना शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मुनाफा बनता होगा उतना मैक्सिमम लायबिलिटी फर्म के पैसे से चुका दिया जाएगा उस पार्टनर का। ओके, फिर हमने कहा अच्छा अगर पार्टनर की प्रॉपर्टी बेच रहे होंगे तो, अगर पार्टनर की सेपरेट प्रॉपर्टी होगी वो बेच के कर्जे चुकाने की बात हो रही होगी तो पार्टनर की प्रॉपर्टी बिकी तो पहले उस पैसे से पार्टनर के पर्सनल डेट्स चुकाए जाएंगे और फिर फर्म के डेट्स चुकाए जाएंगे। इजी हो गया।
सेक्शन 49 का देसी वर्जन मैंने बता दिया था। फर्म के भी कर्जे हैं, पार्टनरशिप फर्म के भी कर्जे हैं और पार्टनर के भी कर्जे हैं। अगर दोनों के कर्जे हैं और प्रॉपर्टी बेची जा रही है, फर्म की प्रॉपर्टी बेची, पहले फर्म के कर्जे फिर पार्टनर के, अगर पार्टनर के कर्जे चुकाने हैं, पार्टनर की प्रॉपर्टी बेची, तो पार्टनर की प्रॉपर्टी बिकी तो पहले पार्टनर के कर्जे और फिर फर्म के कर्जे चुकाए जाएंगे। भाइयों यहां हमारा पार्टनरशिप एक्ट जो कि 15 सेक्टर नंबर का आ सकता है, हमने लेस देन 90 मिनट्स में ये पूरा पोर्शन जो हमने 9 दिन में किया है उसको संपन्न कर दिया। ये 90 मिनट में अच्छे से सुनने की, अच्छे से समझने की आपकी हैसियत इसलिए हो पाई है कि हमने इसमें काफी टाइम स्पेंड किया है। 15 सेक्टर नंबर का पोर्शन है। अगर आप एग्जाम के लिए ये वीडियो देख के चले जाओगे, आप कहीं पर नहीं अटकोगे, तजुर्बे से बता रहा हूँ। You will not be having any problem अगर ये वीडियो अच्छे से सुन लिया। सबक अबर राइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।